I don't talk a lot. मैं बहुत talkative नहीं हूँ. Really? I talk when I get paid. Being the speaker, right? लेकिन वैसे मैं जब से आई ना काफी बात कर रही हूँ. तो मैंने पैसे नहीं दिए. I'm honored. पता है मज़े की बात क्या है कि मामा ये कह रही है इतना बोलती हूँ सबके सामने घर में चुप कर रहती हूँ तो मैं कहती हूँ मामा I have to you know preserve my energy. अब इतने सालों बाद लोग आपको आयरन लेडी कहते हैं rather than ये कहना कि she's disabled या कुछ. कड़वा सच है जो मैं सबके साथ शेयर करूंगी. हमारे अपने माशरे में हमारी अपनी जबान में लफ्ज हैं जो इस्तेमाल होते हैं. लंगड़ा, लूला, पाहज, माजूर, वालदैन के गुनाहों की सजा, अल्लाह का अजाब. मुझे कितनी दफा लोगों ने कहा है बेचारी की टांग टूट जाती, कमर की हड्डी ना टूटती. मुझे कितनी दफा लोगों ने कहा शुक्र है मुंह बच गया. तो क्या हुआ अगर व्हील चेयर पे कम अज कम चेहरे पे तो निशान नहीं पड़ा ना. कुछ लोग बेचारे ये भी कहते थे ओह माय गॉड शी इज टू प्रीटी टू बी इन द व्हील चेयर. जब आजमाइश आती है ना तो आप दिखते कैसे हैं अल्लाह ये नहीं देखता. अल्लाह आपके अंदर कितना मादा है, स्ट्रेंथ है, अल्लाह वो देखता है. क्या आपको मेरी बातें सुनकर लग रहा है कि मैं किसी खुदा ना खास्ता अजाब में मुब्तला हूँ? आई कॉल इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज मुझे पता है कि मेरा अल्लाह से राबता अब बहुत करीबी है. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you are watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मैं इंटरव्यू कर रही हूँ इस इंटरव्यू करने का की ख्वाहिश मेरे दिल में पता नहीं कितने सालों से थी और एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये इंटरव्यू करूँगी. मैं इनका इंटरव्यू पहले एक दफ़ा कर चुकी हूँ बट वो रिटन में था और मैंने एज आई सेड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सामने बैठ के बात करूँगी. थोड़ा सा मैं इंट्रो में बात करूँगी. अगर आप नहीं सुनना चाहते तो फॉरवर्ड कीजिए और डायरेक्टली गेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए एज शी टॉक्स. मेरे साथ आज हैं मुनीबा मजारी द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान. मैं मुनीबा का की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि पहली बार जब वो व्हील चेयर पर बैठी उन्होंने शीशे में अपने आप को देखा और लिपस्टिक लगाई और फिर उन्होंने कहा मैं ये क्या कर रही हूँ और लिपस्टिक उतार दी कि व्हील चेयर में बैठे हुए लोग लिपस्टिक थोड़ी लगाते हैं. देन शी स्टॉप्ड और फिर उन्होंने दोबारा लिपस्टिक लगाई और उन्होंने कहा कि नहीं आई वॉन्ट टू पुट इट ऑन सो आई विल डू इट. और मैं ये सोच रही थी और मैंने सोचा कि मैंने 5 चीज़ों की लिस्ट बनाई जो मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि लोग क्या कहेंगे बिकॉज मैं सर्टेन पोजिशन में हूँ तो मुझे आई एम नॉट सपोज टू डू दोज थिंग्स. फिर मैं उनकी एक और बात सुन रही थी. उन्होंने कहा उन्होंने अपने फियर्स पे कैसे ओवरकम किया जैसे फियर ऑफ नॉट बिकमिंग अ मदर. तो मैं उसको फियर नहीं कहती, मैं कहती हूँ एक चैलेंज था उनके लिए और वो गई और उन्होंने अडॉप्ट किया बच्चा एंड शी बिकेम अ मदर. इट रियली इंस्पायर्ड मी कि वो तमाम चीज़ें जो हम सोचते रहते हैं कि हमें ज़िंदगी में करनी है और हम सोचते हैं कि अल्लाह कोई रास्ता बना देगा या कोई दुनिया में लोग हमारे लिए कुछ कर देंगे और इस इंतज़ार में ज़िंदगी गुजर जाती है. उन्होंने वो तमाम चीज़ें की और मेड इट पॉसिबल फॉर हर सेल्फ ऑफ कोर्स विद द विल ऑफ अल्लाह क्योंकि अल्लाह चाहता था. अल्लाह ने उनके लिए ये जहन में सोच डाली. तो अगेन आई थॉट टू माई सेल्फ कि ये चार चीज़ें हैं राबिया तुम क्यों वेट कर रही हो कि कोई और आके करेगा या ये खुद ब खुद हो जाएंगी. तुम जाओ एंड मेक देम हैपन. सो दिस इज़ हाउ मुनीबा हैज़ इंस्पायर्ड मी एंड हैज़ इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल. आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने हीरोज़ को मुझे लगता है पाकिस्तान में हीरोज़ को सेलिब्रेट नहीं करते. हमने मुनीबा को सेलिब्रेट किया है लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए. जब मैं कल उनकी बातें सुन रही थी तो मैंने कहा कितनी लड़कियाँ कितने लोग इवन लड़के उनकी बातें सुन के ज़िंदगी में एक सही डायरेक्शन ले सकते हैं. तो ये एक छोटी सी एफर्ट है एक हमारे पाकिस्तान के हीरो को सेलिब्रेट करने की और मुनीबा से कुछ डिफरेंट बातें और कुछ नई इंस्पिरेशन लेने की. तो मेरे साथ हैं आज द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान somebody who has really really inspired me. अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम राबिया, ब्यूटीफुल वर्ड्स, इतने प्यारे और इतने काइंड वर्ड्स, थैंक यू. मैंने जो जो बात बोली बिल्कुल दिल से बोली क्योंकि यू रियली रियली इंस्पायर्ड मी एंड एक्चुअली आपने कल मुझे बहुत शर्म भी दिलाई. ओके क्योंकि मैंने सोचा आपने एक बात बोली थी, आपने कहा कि लोगों को खुद एहसास नहीं होता कि वो कितने लकी हैं. ओह यस एंड दे कीप ऑन गोइंग क्राइंग अराउंड. मे बी मैं उन लोगों में से हूँ क्योंकि मुझे मैंने वाकई सोचा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मेरे पास कितनी चीज़ें हैं बट जो चीज़ें नहीं हैं मैं उनके बारे में रो रही हूँ. एंड हियर आई एम लुकिंग एट यू फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस लेकिन आपके मुँह पर हमेशा एक स्माइल होती है. आपकी आवाज़ जब मैं सुनती हूँ, सबसे अच्छी बात मुझे लगी जब मैं आपके मोटिवेशनल टॉक सुनती हूँ उसमें एक जज्बा है, उसमें कहीं एक बेचारगी या एक अपने लिए सिंपथी या वो नहीं है, कमज़ोरी नहीं है. एंड जब मैं सुन रही थी तो मुझे ना वो ऐसे ऊपर लेके जा रहा था मेरा जज्बा. सो यस यू मेड मी रियली
अल्लाह का शुक्र अदा करवाया आपने कल मुझे बहुत ज्यादा. तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. एंड सो ग्लैड टू सी यू फाइनली. आई नो हमारी मुलाकात हुई इन पर्सन. यस, पता नहीं कितने अरसे से हम व्हाट्सएप पे बात करते थे और बट ये हो नहीं पा रहा था. पहले तो यू लुकिंग रियली नाइस. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. मैं इतनी आई एम लविंग द कॉम्बिनेशन, जो कलर आपने ऐड किया हुआ एंड सब कुछ, यू नो, बिकॉज इट्स सो नाइस टू सी यू गोइंग अहेड एंड डूइंग थिंग्स, you know, in life, that to celebrate life. बिल्कुल, हम सब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं राबिया अपनी अपने वजूद को, अपने यहाँ प्रेजेंस को मनवाने के लिए. ठीक है, और चैलेंजेस हर एक की जिंदगी में होते हैं. जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग इन द व्हील चेयर, मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो बहुत से लोगों को चैलेंजेस नजर आ रहे हैं. हजार चैलेंजेस आप फेस कर रही होंगी हर दिन और लोग जानते भी नहीं होंगे. तो इन तमाम चैलेंजेस के होते हुए खुद को मनवाना, नीयत साफ करके मेहनत करना, आई थिंक बड़ा ज़रूरी है. मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि इंसान के हाथ में अच्छी नीयत और कोशिश है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है. तो आज हम जो भी हैं, मैं या आप या जो भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, तो ये उसका करम है और कहीं ना कहीं हमारी डिवोशन टू द पर्पस ऑफ लाइफ है. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा मुनीबा कह रही थी हल्का फुल्का स्टार्ट करना, बट मैं क्या करूँ मुनीबा, मेरे इंटरव्यूज बड़े सीरियस होते हैं यार. मैं कोशिश कर करके थक जाती हूँ. मजाक लाना ना या थोड़ा हल्का फुल्का लाना, बड़ी बड़ी एफर्ट होती है. अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग, वी आर स्पीकिंग. हम गुफ्तगू कर रहे हैं. जो इतना नॉइज हमारे अराउंड है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो प्रिंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, सोशल में हो, एवरीबॉडी इज टॉकिंग, पीपल आर नॉट स्पीकिंग. लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे. हमें गुफ्तगू की जरूरत है. और ऐसा नहीं है कि अगर हम काम की बात करेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं. शायद चार लोग सुने मगर सुनने की नीयत से सुनेंगे. तो आई थिंक ये एक सर्विस है जो हमें चाहिए कि हम लोगों को फराहम करें. हम अच्छी बात करें, मीनिंगफुल बात करें, हैवी भी हो जाए तो कोई बात नहीं. अच्छा मुझे बताएं मुनीबा का दिन कैसे स्टार्ट होता है, क्या करती हैं पूरा दिन? मुनीबा का दिन अम्मा को आवाज़ देके स्टार्ट होता है. क्या बुलाती हैं? अम्मा, मामा. आई कॉल मामा. तो बेसिकली नाइल क्या बुलाता है आपको? उसका मूड अगर बहुत ही, वो बहुत ही कूल बनता है तो वो मुझे मॉम कहता है, वैसे वो मुझे मामा कहता है. अच्छा, तो मेरा दिन शुरू होता है कि आई कॉल माई मदर ऑन द फोन और मैं कहती हूँ कि मामा मैं उठ गई हूँ. देन एक कहानी शुरू होती है कि वो शी हेल्प्स मी विद लिटरली एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, उठाकर बिठाने से लेकर हर चीज राबिया. आई मीन तो आपके पास अलहदा से हेल्पर नहीं है, अम्मी आपको हेल्प करती हैं? वो रखने नहीं देती. वो कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई और आए और तुम्हें हाथ लगाए और तुम्हारी मदद करे. तो ये ना मेरी वालदा कभी मुझे करने देंगी, ना मेरा भाई मुझे करने देगा. और जब जो मैं नाइल को देख रही हूँ बढ़ता हुआ, तो वो सबसे बड़ा डैडी होगा मेरा. इट इज लाइक ग्रो, nobody should touch you. तो माशाल्लाह, माशाल्लाह, I'm so blessed, अल्हम्दुलिल्लाह राबिया. आई मीन कभी कभी ये एहसास ही नहीं होता कि मेरे पास क्या नहीं है. वो तो जब हम इस तरह आमने सामने लोगों के बैठते हैं और कहानी शुरू होती है, तो मैं सोचती हूँ कि ओ माय गॉड, इट्स बीन 14 इयर्स इन द व्हील चेयर, यू नो. तो अल्हम्दुलिल्लाह, सच इंस्पायरिंग 14 इयर्स. आई थिंक फुल ऑफ लाइफ 14 years. और जब फुल ऑफ लाइफ आप बोलते हैं तो उसमें इंस्पिरेशन भी होती है, उसमें डाउन मोमेंट्स भी होते हैं, उसमें उदासी भी होती है, उसमें लोनलीनेस भी होती है, मगर उसमें शुक्रगुजारी भी होती है. बिल्कुल. अच्छा, तो फिर अम्मी मामा आके हेल्प करती हैं, तैयार करा देती हैं? टिपिकल राबिया, टिपिकल क्यूट क्यूट से सवाल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. वैसे यू अंडरस्टूड मी. आई डू, ऑफ कोर्स. जी, तो फिर उसके बाद दिन का आगाज होता है. ऑफ कोर्स आई गो टू वर्क, आई एम वर्किंग विद पीटीवी न्यूज, और बस उसकी रिकॉर्डिंग्स के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है. और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेती हूँ. जब मैं उठती हूँ तो मैं एकदम से, आई एम नॉट वेरी चर्पी, आई डोंट टॉक अ लॉट, मैं बहुत टॉकेटिव नहीं हूँ. रियली? हाँ, आई मीन आई टॉक व्हेन आई गेट पेड, बीइंग द स्पीकर, राइट? लेकिन वैसे मैं जब से आई ना काफ़ी बात कर रही हूँ, तो मैंने पैसे नहीं दिए. आई एम ऑनर्ड. पता है मज़े की बात क्या है कि मामा ये कह दिए, इतना बोलती हूँ सबके सामने, घर में चुप कर रहती हूँ, तो मैं कहती हूँ मामा आई हैव टू यू नो प्रिजर्व माई एनर्जी, क्योंकि मुझे कुछ वक्त सुबह उठकर अपने साथ चाहिए होता है. आई कॉल इट सॉलिट्यूड. तो आई नीड टू रिचार्ज द बैटरी, आई नीड टू थिंक कि अब आगे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आई हैव टू स्टे पॉइज एंड कंपोज्ड. एंड ये भी सही, इट मेक्स सेंस कि पूरे दिन के लिए आप अपने अंदर एनर्जी और अपनी एक जहन को प्रिपेयर कर रही हैं. तो अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? लंच पे क्या होता है? खुद ही कहा था हल्का फुल्का स्टार्ट करना, तो मैं हल्का फुल्का स्टार्ट ले रही हूँ. अब मैं सोच रही हूँ क्या होता है, मतलब मेरे दिन में इतना कुछ खास नहीं होता कि मैं डिस्कस करूँ या मैं शेयर करूँ. खास बात की ओके, मुझे लगता है आम बातें ही खास होती हैं. अरे वाह, या बिल्कुल आम बातें ही खास होती हैं. और मुझे, मैं कहती हूँ खास बातें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कितने लोगों की खास बातें होती हैं जिंदगी में. मुझे लगता है आम बातें ही करेंगे तो लोग
कनेक्ट ज्यादा कर पाएंगे यू नो. बस मैं लंच मैं खाना बहुत थोड़ा खाती हूँ और इसलिए नहीं दैट आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट्स फॉर द फैक्ट दैट मैं आई कैन नॉट डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ फूड. तो मैं बहुत थोड़ा मतलब मैं सुबह चाय के 2 कप पीती हूँ मैं नाश्ता नहीं कर पाती और आई हैव टू टेक माई मेडिसिन रेगुलरली आई हैव टू डू फिजियोथेरेपी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बस फिर उसके बाद काम पर चले जाते हैं और अगर छुट्टी होती है तो फिर उसके बाद आई वेट के नाइल स्कूल से आए और फिर अपनी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाए एंड यू नो इट्स सच अ ब्लेसिंग टू सी हिम माशाल्लाह. और बस दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर जाता है. ये सब तब होता है जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ. जब ट्रैवलिंग होती है तो फिर तो बैक एंड फोर्थ वर्क एंड स्टफ. बट एक्सरसाइज करती हैं कभी कोई आप? मैं सॉरी अब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछूं बट क्यूरियोसिटी हो रहा था हो रही थी. फिजियोथेरेपी जो होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है एक्सरसाइज से. उसमें ये होता है कि राबिया आई हैव अ व्हीलचेयर बहुत से लोगों ने शायद देखी भी हो. इट्स अ स्टैंड अप व्हीलचेयर और एक पैरालाइज इंसान के लिए स्टैंडिंग करना बड़ा जरूरी होता है. अच्छा. उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है उससे आपकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है. अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ कि अगर आप खड़े होना छोड़ दें तो आपकी टांगे आपका बॉडी का वजन सहारना भूल जाती है एंड योर बोन्स स्टार्ट टू डिसॉल्व इन द ब्लड. ठीक है राइट. तो दैट्स वेरी स्केरी. उससे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और अगर आप ज्यादा देर बैठते हैं तो उससे प्रेशर सोर्स डेवलप होते हैं जो कि मुझे अक्सर होते हैं. इनफैक्ट पिछले साल भी ऑन माई 34th बर्थडे आई वॉज बेड रिडन फॉर 2 मंथ्स और माई सोशल मीडिया वोंट शो इट बिकॉज वो मेरी अपनी जाती एक स्ट्रगल है, एक जंग है जो मुझे लड़नी थी. और तो वो चीजें होती रहती हैं. मतलब नॉट एवरीथिंग इज सुपर परफेक्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज आई एम कैरिंग इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस इसका मतलब ये नहीं कि ये हैवी नहीं है. बिल्कुल 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 भी बिल्कुल भी हैवी नहीं है. एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये चीज़ें शेयर कर रही हैं क्योंकि मुझे लगता है शेयर करने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है. और आपने ये चूज़ किया कि आप ये बातें शेयर करें और आप बहुत से लोगों की हेल्प कर रही हैं. सो आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ क्योंकि वही हम जैसे लोग नाशुक्रे हो जाते हैं तो बड़ा ज़रूरी है एक रियलिटी चेक होना. नाशुक्रे होते अच्छा होते ही राबिया कि हम कहीं भी अगर उदास हो जाएँ किसी चीज़ से तो हमें ये लगता है कि कहीं हम नाशुक्री तो नहीं कर रहे. देखिए इट्स ओके टू बी सैड. मेरा अगर हादसे को सोचकर जिसको अब 14 साल हो गए हैं इसी महीने अगर मैं सोचकर रोती हूँ या उस पूरे दिन मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि 11:30 बजे ये हो रहा था और 3 बजे मैं उधर पहुँची थी और यू नो आई गो क्वाइट एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ क्योंकि उस वक्त मैं मेरे सामने वो सब कुछ चल रहा होता है जो 14 साल पहले हुआ था. वो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जिस तरह कल हुआ था. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं नाशुक्री कर रही हूँ या अगर आप उदास हैं तो आप नाशुक्री कर रही हैं. आई थिंक वो कहते हैं ना कि जब आप रोते हैं तो इट्स लाइक योर सोल इज टेलिंग द वर्ल्ड दैट व्हाट यू हैव लॉस्ट इट मैटर टू यू. ऑफ कोर्स राइट. जो खोया है मैंने मैं उसकी कदर करती थी मैं उसको याद करती हूँ लेकिन मैं जिस हाल में हूँ मैं उसमें भी खुश हूँ. लेकिन वो एक फेज होता है जिससे इट्स ओके अगर आप उस फेज से गुजर जाएं. इसलिए आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली है कि वो चीज़ कीमती थी आपके लिए ना. तो जो चीज़ कीमती होती है चाहे उसने आपको हर्ट किया हो लेकिन वो कीमती होती है तो आप उसको रखते हैं अपने पास. बट मैं आपकी बात सुन के सोचूं अभी तक याद आता है आपको? जी जी बिल्कुल. बट क्यों मुनीबा? क्योंकि इजंट इट लाइक कि यू वुड वांट कि आप ओवरकम करके आगे जाएं आप याद ना करें उसको. सॉरी मेरा सवाल अगर देखिए एक आम हादसे में और स्पाइन इंजरी के हादसे में बहुत फर्क होता है. ठीक है एक नॉर्मल हादसा होता है खुदा ना खास्ता किसी को हल्की मामूली चोट आती है तो आप कहते हैं मैं उस तरफ सोचना भी नहीं चाहती. लेकिन जब आप सुबह उठना चाहें और आप ना उठ पाए एंड देन यू हैव टू कॉल योर मदर दैट मामा आई नीड योर हेल्प एंड व्हेन यू आर नोइंग दैट योर मदर इज गेटिंग ओल्डर राइट. और फिर उसके बाद एक लंबी जंग है जो आपने लड़नी है जो दुनिया नहीं जानती और मैं नहीं चाहती जो दुनिया जाने क्योंकि कुछ जंगें आप अपने अंदर लड़ रहे होते हैं. ठीक है तो वो हादसा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ गया है राइट एंड आई हैव टू लिव विद दैट 24/7. और जब जब कहीं हिंड्रेंस या रुकावट महसूस होती है पैरालिसिस राबिया इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई एम नॉट एबल टू वॉक. पैरालिसिस इज ये एक पूरा लाइफस्टाइल है. ऑफ कोर्स जब आप व्हीलचेयर पर होते हैं तो आपका पूरा खानदान व्हीलचेयर पे आ जाता है. ठीक है तो अगर एक स्क्रैच होता तो शायद मैं उसको याद ना करती. कई स्क्रैचेस उसके बाद लगे मैं उनके बारे में सोचती भी नहीं. लेकिन ये वो चीज़ थी जिसने मुझे इतना ज़्यादा बदल दिया लाइक लिटरली और मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए राबिया. और हर एक चेंज घुमा फिरा कर मुझे इस जगह ले आता है दैट टुडे आई एम अ मदर
of an 11-year-old. MashaAllah. You know, तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला जिस भी रास्ते से तकलीफों के गुजार रहा था, मुझे एंड में अल्लाह ने माँ बनाना था. तो सारी अचीवमेंट्स अवार्ड्स एक तरफ, मेरा बच्चा एक तरफ. तो इसलिए इस चीज़ को आई थिंक मैं जितना सोचती हूँ उतना ही फिर हम जब री बर्थडे का केक काटते हैं, जो मेरी अम्मा हमेशा हमारे लिए मंगवाती हैं कि यू नो कट दिस, एंड देन शी गिव्स मी अ हग, और फिर वो रो कर दुआ देती हैं. और वो कैसे कट करी माँ को, जिस दिन आपका एक्सीडेंट होता है उस दिन आप मनाते हैं दोबारा. जी जी, वो मतलब, केक मंगवाती हैं, काटती हैं. बिल्कुल, जिस तरह कल हुआ 14 साल हुए तो उन्होंने एक केक मंगवाया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था हैप्पी री बर्थडे, और उसके बाद वो खड़ी होती हैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, कुछ एक दो दोस्त जो बहुत करीबी हैं वो, और फिर हम केक काटते हैं. तो वो एक अजीब सी बिटर स्वीट फीलिंग होती है दैट यू आर सेलिब्रेटिंग व्हाट यू आर टुडे, बट एट द सेम टाइम आप उदास हैं उन तमाम नेमतों के लिए जो कहीं ना कहीं अब मौजूद नहीं है. तो मामा जब ये कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं एंड यू गिव अस स्ट्रेंथ, तो मुझे लगता है अगले पूरे साल के लिए आपका सिस्टम रीबूट हो जाता है, राइट? तो वो उस पूरे दिन की खामोशी आपको अगले पूरे साल के लिए तैयार करती है. तो कभी कभी आपको लगता है, गिल्ट फील होता है कि फैमिली आपकी वजह से थोड़ी रुक जाती है? जिनकी वजह से गिल्ट होता था वो लोग आज मेरी जिंदगी में नहीं है, राइट? मुझे ये लगता है कि व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ रॉन्ग स्टोरी, लीव, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. और आपको लोग एहसास दिला देते हैं, बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कह के भी बता देते हैं दैट यू आर नॉट वांटेड इन देयर लाइव्स एनीमोर. और अगर आप में ज़रा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं जिस तरह पहले कह रही थी कि अगर आप एक गलत कहानी में फंस चुके हैं या आपको फंसा दिया गया है, उस कहानी से आप निकल जाओ. तो अब जो मेरे पास हैं वो, आई मीन, मैं उनकी वजह से हूँ जो भी हूँ. नहीं, वेरी वेरी नाइस. आप मुस्कुराती हैं जी. आप एक अपना, जैसे अभी आप बात करी थी कि बिकॉज आपकी अपने आप को आपने उस पोजीशन में आप लेकर आई हैं, आप हैं, अल्लाह ने चूज़ की है आपके लिए, जहाँ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, तो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप मुस्कुराती हैं, एक पॉजिटिव फ्रंट रखती हैं. ये क्या टोल लेता है आपके ऊपर? ये किस तरीके से आपको अफेक्ट करता है? क्या होता है इस पर? कभी कभी थकन हो जाती है कि नहीं, दिल जा रहा मेरा मुस्कुराने को, मुझे आज वीडियो करनी है, बिकॉज मैंने कभी भी कोई वीडियो आपकी नहीं देखी जिसमें आप रो रही हो या जिसमें आप थोड़ा डाउन हो. आप हमेशा एक बहुत पॉजिटिव मूड में, बहुत अपलिफ्टिंग एटीट्यूड में बात करती हैं, बट कभी आता है ख्याल, एंड व्हाई नॉट? अच्छा, मुस्कुराता इंसान हमेशा दूसरों के लिए, आपने नोट किया होगा, अकेले में बैठा हुआ इंसान अपनी ज़ात के लिए नहीं मुस्कुराता, राइट? तभी इसको कहा गया सदका जारिया है, कि जब आप मुस्कुराते हैं इट्स सो कंटेजियस कि दूसरा भी मुस्कुरा देता है. तो ज़िंदगी में बहुत कुछ राबिया आपने दूसरों के लिए करना होता है, मुस्कुराहट इज़ वन ऑफ दैट. और मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि यार क्या हर टाइम इंस्पिरेशनल, हर टाइम मुस्कुराना. आई थिंक इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ एंड माई पर्सनैलिटी ऑल्सो. लेकिन जो आप टोल की बात करिए, आई थिंक जब आप लोगों को बहुत मोटिवेशन देते हैं तो आप अंदर से बहुत हॉलो हो जाते हैं, राइट? और इमोशनली यू फील ड्रेन्ड. कैसे? और ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी बात. तो जब भी आप, मतलब मैं अपनी बात करूँगी, मैं अगर कोई भी बात अपनी किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस के रेफरेंस से करती हूँ, आई हैव टू रीलिव दैट मोमेंट, ओके, एवरी मोमेंट, राइट? तो आप फिर वहीं चले जाते हैं और फिर आपको आगे आना पड़ता है. तो आपको वो एक सिलसिला जिसको आप कहती हैं लोग भुलाना चाहते हैं, मैं उसको रीलिव करती हूँ, तभी आपको वो पैशन नज़र आता है मेरी बात में, क्योंकि आई एम रीलिविंग ईच एंड एवरी मोमेंट दैट आई हैव बीन थ्रू. लेकिन फिर जब मैं ये देखती हूँ दैट ये अल्लाह का करम है कि कैसे लोगों की सोच बदल जाती है, लोग अगर मेरी एक बात से सिर्फ एक लम्हे के लिए ये कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, वी आर वे बेटर देन सो मेनी पीपल, तो मुझे लगता है मेरे ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है. तो उसमें कितना मुस्कुराना पड़ रहा है, क्या है, अगर मैं बहुत थक जाऊँगा, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपके लिए कर रही हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स, आई एम टेलिंग यू. और फिर आई एंड अप इंजॉइंग दैट सो मच कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं तो चाह भी नहीं रही थी ये करना. तो मैं अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह ताला मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, आपको पता है, बट ये मैं आपके लिए कर रही हूँ. बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली. हमें लगता है मोटिवेशनल स्पीकर्स कितने वो होते हैं, बट देखिए कितनी मुश्किल जॉब है कि आपको एक्चुअली अपने अपनी हार को, अपने गम को, अपनी फेलियर्स को रीलिव करना पड़ता है ताकि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकें. मैंने ये बात नहीं सोची थी आप मुझे आज एहसास दिला रही हैं. अभी आपने बात बोली कि मैं तो ये करना भी नहीं चाहती थी, और मैंने जो सवाल थे उसमें एक सवाल ये भी था, कभी कभी हम उस पोजीशन में आ जाते हैं जो हमने, जैसे आपने कभी नहीं सोचा था, कभी चाहा नहीं था ये, लेकिन अल्लाह ने वो प्लान किया हुआ था. कभी होता है ये कि जहन में आता है कि मैं तो ये चाहती भी नहीं थी,
जैसे कभी कभी मैं कुछ करती हूँ, मैं कहती हूँ यार मुझे तो ये नहीं करना था, मैं ये क्यों कर रही हूँ, यू नो. तो बिकॉज अल्लाह हैज़ पुट यू इन दैट पोजीशन. कभी आपको आता है कि मैं क्यों आ गई हूँ इस पे, मैं तो ये करना भी नहीं चाहती थी. और कभी ये आता है कि मैंने बहुत शायद बड़ी प्राइस पे कर दी इस जगह पे आने के लिए. मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकती राबिया कि अगर ये ना होता तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अब जो मेरे पास है ना वो बहुत खूबसूरत है. मतलब मैं कैसे बताऊँ, आई एम सो ब्लेस्ड राबिया इन सो मैनी वेज. एक ऐसा दौर जिसमें किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, और ऐसे लम्हे में ऐसे नफसा नफसी के दौर में आप कोई बात करते हैं और दुनिया में लोग आपकी बात को सुनते हैं, अपनी ज़बान में लिखते हैं. कहाँ होते हैं ऐसे लोग, कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग कि अल्लाह उनकी अल्फाज में उनकी बातों में वो ताकत देता है कि लोगों तक उनकी बात पहुँचे. तो आई हैड टू बी दिस, सो आई हैड टू गो थ्रू अ सर्टन प्रोसेस. अब उसमें चोटें भी थी, जहनी जिस्मानी हर तरह की, मगर अल्लाह ने मुझे यहाँ बिठाना था और हमारी ये कॉन्वर्सेशन होनी थी और लोगों ने सुनना था. तो मैं वही कहती हूँ कि अल्लाह ताला का व्यू एक बर्ड व्यू होता है. हम तो दीवार के उस पार क्या है नहीं जानते. मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आज अगर मैं यहाँ ना होती और ये सब कुछ ना हुआ होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत बेमायने होती. आई अश्योर यू दैट बहुत बेमायने होती, मैं ये इंसान ही ना होती जो मैं आज हूँ. मैं वो जिस मंडिंग कभी आप सोचती हैं ऐसा कि मैं उस सिंपल ज़िंदगी में ही शायद खुश रहती, ये बहुत चैलेंजिंग और थकावट है यहाँ. इट्स वर्थ इट समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स. हम कंपैरिजंस क्यों करते हैं अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन, पहले ये था अब ये है अब क्या है, दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन. हम क्यों कंपैरिजंस में पड़ जाते हैं? आप जब जब कंपैरिजन में करेंगे अपने आप को डालेंगे, जो आपके पास मौजूद होगा आपको वो नज़र ही नहीं आएगा राबिया. आपको हमेशा अपना पास्ट परेशान करेगा, फ्यूचर आपको डराएगा. जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ बैठ कर कहूँ यू नो व्हाट, व्हेन आई यूज्ड टू वॉक, नो आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट, वो इंसान ही फ़र्क था. Yeah. और उस इंसान का चैप्टर बंद हो गया, वो मुनीबा कुछ और थी. और ये नो वंडर व्हाई मामा पुट्स के री बर्थडे लिखो, बिकॉज अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी एक नई इंसान के रूप में दी है. आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ. और इस इंसान ने ये सीखा है कि जिंदगी इतनी अनसर्टेन है राबिया, इन ब्लिंक ऑफ एन आई एवरीथिंग चेंज. यू नो एक लम्हा आया और मैं बिल्कुल बदल गई. और जब आप मौत को बहुत करीब से देखते हैं तो फिर आप कंपैरिजंस में नहीं पड़ते. तो फिर जो एक लम्हा आपके पास मौजूद है आप उसमें शुक्र भी अदा करते हैं, आप उसमें सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, और वो नेमतें जो अल्लाह ने आपसे वापस ले ली आप ये सोच कर शुक्र करते हैं कि अल्लाह वो मेरे लिए बेहतर नहीं थी. मैं हमेशा ये सोचती हूँ राबिया कि शायद मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती जो मेरे लिए ठीक नहीं था, अल्लाह ने रास्ता भी बदल दिया और मेरे कदमों को रोक दिया. अभी भी आई गो एवरीवेयर, आई ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, बट उस डायरेक्शन में जहाँ अल्लाह मुझे लेकर जाता है, राइट. तो मेरे अंदर से वो जो थी ना कि आई कैन गो एंड डू वट एवर, नो नाउ आई हैव टू थिंक ट्वाइस दैट इज दिस मीनिंगफुल इनफ कि मैं घर से बाहर निकलूँ और किसी जगह पर जाऊँ. तो ये विजडम आपको चोटे खा के आता है. बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली कि मैं जहाँ जाना चाहती हूँ जा सकती हूँ. मैं मतलब अल्लाह ने अभी भी वही चीज़ किया, तरीका सिर्फ थोड़ा डिफरेंट कर दिया है और रोका नहीं है अल्लाह ने आपको, आप जा रही हैं. मुझे ये लगता है कि क्वांटिटी को हटाकर अल्लाह ताला ने क्वालिटी की लाइफ दे दी है कि अब ऑप्शंस बहुत हैं, यू हैव टू पिक एंड चूज. जब पहली बार टेड टॉक देने गई डर लग रहा था, क्या फीलिंग्स थी? बिकॉज आपने पहले तो कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की होगी. हाँ, पब्लिक स्पीकिंग नहीं की थी, लेकिन स्पीचेस किया करती थी, कंपेयरिंग किया करती थी व्हेन आई वाज इन स्कूल. डर ये नहीं था कि ओ माय गॉड सो मेनी पीपल, डर ये था कि जो मैं करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्टोरी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना सच बोलूँगी. क्या लोगों से हजम हो पाएगा, राइट? क्योंकि व्हेन यू आर एन ओपन बुक एवरीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट यू. आप कुछ ना भी बोलें तो भी लोग आपके बारे में ओपिनियन रखते हैं, लेकिन ये तो एक खुला कार्ड है जो आप लोगों को दे देते हैं कि जिसका जो दिल में आए वो बोले. बट देन आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि अगर ये मैंने आज नहीं किया ना तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी. और फिर उसी टेड टॉक के बाद जो यहीं इस्लामाबाद में हुई थी, एक लड़की आई ऑडियंस में से, एंड शी जस्ट केम एंड शी गिव मी अ हग. वो कहती है कि आपकी 10 मिनट की टेड टॉक ने मेरी ज़िंदगी के 10 मसले सॉल्व कर दिए. मुझे आज ही अंदाज़ा हुआ कि जिन मसाइल के बारे में मैं रोती थी, परेशान होती थी, वो सिर्फ मेरे जहन में थे, वो असल ज़िंदगी में नहीं थे. एंड आई वॉज क्राइंग फॉर ट्रिवियल थिंग्स इन लाइफ. यू नो टुडे यू मेड मी रियलाइज़ कि
अगर आज मैं सेहतमंद हूँ ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है. तो मैंने बाकी चीजों में रोकर अपनी सेहत को खराब नहीं करना. एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज के यार जो मम्मा मुझे आईसीयू में कहती थी ना कि अल्लाह एक दिन दिखाएगा कि अल्लाह ने इतने लोगों में आपको क्यों चुना है. तो बस एंड दैट वाज द मोमेंट आई न्यू के दिस इज व्हाट यू वांटेड मी टू डू अल्लाह आई विल डू इट. अगर आप चाहते हैं कि मेरे जरिए लोगों में ग्रैटिट्यूड आ जाए, शुक्रगुजारी आ जाए, कनात जो होता है ना कि जो आपके पास है उस पर शुक्र वो आ जाए, तो 10 जिंदगियां भी ऐसी हों तो मैं बहुत खुशी से गुजार लूंगी. आप ये भी कह रही थी कि मैंने जाके सर्च किया शुरू में कि लोग फीमेल जो पाकिस्तान में हैं वो कैसे अपने आप को कैरी करती हैं अगर वो व्हीलचेयर पे बैठती हैं, तो ये ख्याल कैसा है? बिकॉज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये बात. कोई सोच नहीं रहा होगा कि मैं यू नो एंड अनदर थिंग दैट यू सेड वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा मैं हूँ व्हीलचेयर पे, नहीं व्हीलचेयर नहीं हूँ, कि ऐसा ना हो कि व्हीलचेयर ने मुझे एम्पावर मुझे ओवर पावर कर दिया. ये थॉट्स कैसे आ रही थी, क्या क्या प्रोसेस था जिनसे आप इन इन ख्यालात पे पहुँची? एज आई सेड अर्लियर कि व्हीलचेयर एक लाइफस्टाइल होता है, ठीक है, आप उस पर बैठ गए हैं, नाउ व्हाट? ओके, आप कब तक दुनिया से छुपेंगे? आप नहीं छुप सकते. आप घर में कोने में भी बैठे हैं तो आने जाने वाले लोग कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे. तो या तो आप बिल्कुल ही गिव अप करके बैठ जाएं एंड इंतज़ार करें कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो और आप आगे चले जाएं, या फिर आपने हिम्मत करके आगे बढ़ना है. बट हाउ टू कैरी योर सेल्फ इन द व्हील चेयर विद ग्रेस विद कॉन्फिडेंस? क्या आपने इससे पहले एक खातून को व्हील चेयर पर इस तरह आउट एंड अबाउट देखा था? क्या आपने एक व्हील चेयर पर बैठी हुई औरत को मॉडलिंग या एंकरिंग करते हुए देखा था? क्यों? इसलिए नहीं कि वो ख्वातीन कर नहीं सकती थी राबिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी किसी को करते नहीं देखा. और वो पहला स्टेप है और हमारे मैं तो स्टेप भी नहीं ले सकती. यू हैव टू रोल ऑन दैट पाथ, यू हैव टू क्रिएट वन फॉर अदर पीपल. तो जो भी मैंने किया वो अपने लिए नहीं किया, मैंने दूसरों के लिए किया. और मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद अभी आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो, मगर जब मैं इस दुनिया से जाऊँगी एंड मैन यू विल सी अ लॉट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द व्हील चेयर डूइंग व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू फॉर सो लॉन्ग, आपको उन लोगों में मेरा अक्स नजर आएगा, राइट? एंड बिकॉज इट्स अ थैंकलेस जॉब, इट इज, राइट? बिकॉज लोगों को नहीं पता, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट ओह शी इज सो वेल पुट टुगेदर. अरे यार तो प्रिविलेज्ड फैमिली की बंदी है. आई एम प्रिविलेज्ड इन सो मेनी वेज दैट आई एम गुड एट हाइडिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, राइट? डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग थ्रू समथिंग. तो जब आप व्हील चेयर पर बैठते हैं एंड यू आर वेयरिंग शेवी क्लोज एंड आप देखते हैं, कहते हैं कि यार मैंने तो टीवी पर देखा था बूढ़ी बूढ़ी आंटियां बैठती हैं व्हील चेयर पर, तो मैं तो बूढ़ी भी नहीं हूँ. मैंने तो देखा है कि औरतें अपनी टांगों पे शॉल डाल के बैठती हैं, शॉल की तो ज़रूरत नहीं होती. तो मैं क्या करूँ? हाउ शुड आई लुक? शुड आई फॉलो पीपल सिटिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड? मगर वो तो मेरा कल्चर नहीं है. मुझे पूरे कपड़े पहने, आई एम मोस्ट कम्फर्टेबल व्हेन आई एम कवर्ड, बट मुझे ऐसे कपड़े पहने कि मेरे व्हील में अगर फंसे और मैं गिर जाऊँ तो ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होगी. एक एक स्टेप, एक एक कदम पर मुझे सोचना था, और ये सोचकर कि आज अगर मैं ये कर रही हूँ तो कल किसी बच्ची को इतना नहीं सोचना पड़ेगा. उसके सामने एक रास्ता होगा, उसको सिर्फ, वो कहते हैं ना वेयर देयर इज व्हील देयर इज अ वे, उसको बस सिर्फ उस रास्ते पर चलना होगा. तो जब भी आप पहला रास्ता निकालते हैं तो चोटें बहुत आती हैं, फिजिकल चोटें भी आती हैं, लोगों के सवाल भी होते हैं. जिनको आपकी जर्नी समझ नहीं आती वो आपको एजेंट बना देते हैं, आप यहूदी साजिश हैं, आप एजेंट हैं. और मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि अगर इंसान ये सोच ले कि आज के दौर में इस दुनिया में जिसके पास जितना है और जो है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं है, बिल्कुल, मैं आज जो हूँ मैं उसकी रजा से हूँ, आपको क्या पता मेरा उसका कनेक्शन क्या है, आपको क्या पता अकेले में मैं और वो क्या बातें करते हैं, आप नहीं जानते. तो आप मुझे उन चीज़ों पर जज नहीं कर सकते जो मुझे अल्लाह ने दी हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाट इट इज. मगर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जो तकालीफ जो चैलेंजेस मैंने फेस किए बींग द फर्स्ट व्हील चेयर बाउंड, वो कहते ना कि एक डिसेबल्ड आर्टिस्ट, फिर कुछ कहते थे डिसेबल्ड टीवी होस्ट, डिसेबल्ड, तो वो डिसेबल्ड का लफ्ज अब कहीं जाके अल्हम्दुलिल्लाह लोग जब कहने लगते हैं ना तो उनकी जबान कांपती है कि यार इज दिस द राइट वर्ड टू पुट, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड. नीबा, मैं आपकी बात सुन रही थी तो आपने कहा कि 10 साल लगे नैरेटिव को चेंज होने में, कि लोग पहले जैसे अभी आप ही मैंशन करी थी कि लोग बोलते थे व्हील बाउंड, डिसेबल्ड एंड यू नो. तो ये आप जब सुनती थी तो आपने कुछ कोशिश की, खुद से जाके लोगों को बोला या अपने नैरेटिव में अपने पोस्ट पे लिखना शुरू कर दिया कि लोग जो सुन रहे हैं वो थोड़ा चेंज हो जाएं कि अब इतने सालों बाद लोग आपको आयरन लेडी कहते हैं रादर देन ये कहना कि शी इज़ डिसेबल्ड या कुछ कुछ ये, या ये नेचुरल प्रोसेस हुआ
परसेप्शन को बदलने का मकसद, अच्छा मुझे ये बात ज़रूर पता थी कि मैं शायद पूरी दुनिया की सोच को नहीं बदल सकती, जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनको मैंने कुछ कड़वे अल्फाज कहते हुए सुना था, शायद उनकी सोच बदले। और कड़वा सच है जो मैं सबके साथ शेयर करूँगी, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंटली एबल इंसान के लिए। डिसेबल्ड तो दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं, डोंट माइंड इट, मगर मुझे ये लगता है कि डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं होती, इन्वायरमेंट में होती है। तो अगर मैं किसी जगह नहीं पहुंच पा रही तो आई एम नॉट डिसेबल्ड, दैट इन्वायरमेंट इज डिसेबल्ड। लेकिन हमारे अपने माशरे में, हमारी अपनी ज़बान में कुछ लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो लड़की या लड़का व्हीलचेयर पे होता है उसको लंगड़ा, लूला, अपाहिज, माजूर, वालदैन के गुनाहों की सज़ा, अल्लाह का अजाब, और पता नहीं राबिया किस किस तरह का जुमला और लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। आपकी सोच है, आप जब कहीं से गुजरते हैं तो आपको हाय बेचारी कहकर ये एहसास दिलाया जाता है कि यू नो यू कुड हैव डन बेटर। मुझे कितनी दफ़ा लोगों ने कहा हाय बेचारी की टांग टूट जाती, कमर की हड्डी ना टूटती। मुझे कितनी दफ़ा लोगों ने कहा शुक्र है मुँह बच गया, तो क्या हुआ अगर व्हील चेयर पर कम अज़ कम चेहरे पर तो निशान नहीं पड़ा ना, मतलब उस पर आप ये कहते हैं। या कुछ लोग बेचारे ये भी कहते थे, ओ माय गॉड शी इज टू प्रीटी टू बी इन द व्हील चेयर। जब आजमाइश आती है ना तो आप दिखते कैसे हैं, अल्लाह ये नहीं देखता। अल्लाह आपके अंदर कितना मादा है, स्ट्रेंथ है, अल्लाह वो देखता है और उसके हिसाब से आपको आजमाइश में डालता है। परसेप्शन को आप बातों से नहीं बदल सकते, परसेप्शन आपके प्रेजेंस से बदलती है। जो मैं पहले भी कह रही थी कि मुझसे पहले अगर आपने नहीं देखी एक लड़की व्हीलचेयर पे जिसने नेशनल टीवी पे बैठकर रमजान ट्रांसमिशंस भी की हैं, सब कुछ किया है, यू नो विच आई कुड डू एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट, इसलिए नहीं था कि वो कैपेबल नहीं थी, हो सकते वो मेरे से बहुत ज़्यादा कैपेबल हों, वो इन्हीं लेबल्स से डर के घबरा कर वो घरों से नहीं निकली। और इसलिए अब मुझे ये लगता है कि लोग लंगड़ा बोलें, माजूर बोलें, हैंडीकैप बोलें, क्रिपल्ड बोलें, जो बोलें, मुझे लगता है ये उनकी सोच की अक्कासी करता है, ये मेरी अक्कासी नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हूँ, आई एम डिफाइनिंग माई ओन जर्नी एंड माई लाइफ, सो आई हैव नथिंग टू डू विद दीज लेबल्स। ये अल्लाह करे कि हमारी ये सोच बदल जाए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है राबिया। हम कब तक लोगों को लंगड़ा, लूला, अपाहिज कह के बुलाते रहेंगे? ये नहीं है अल्लाह का अजाब। क्या आपको मेरी बातें सुनकर लग रहा है कि मैं किसी खुदा ना खास्ता अजाब में मुबतला हूँ? आई कॉल इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा अल्लाह से राबता अब बहुत करीबी है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ऐसे वाकयात आते हैं, ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ आप अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते कि वाई अल्लाह ताला वाई, क्योंकि आपको लगता है कि आपका अल्लाह से इतना प्यार है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे सवाल नहीं करते, राइट? लेकिन कुछ अंदर बेचैनी होती है, राइट, कि शो मी द वे अल्लाह, जस्ट कुछ मुझे ऐसी बात सुनवा दे कहीं से कि मुझे सुकून आ जाए। चार दिन पहले की बात है, मैं, नाहिल और मेरी वालदा, हम अपने ड्राइवर भाई के साथ गए एंड वी वर हैविंग आइसक्रीम, और हमने कहा चलें, कुछ दिल भारी था तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और झाड़ियों के पीछे एक बाबा जी बैठे हुए थे और हम आइसक्रीम खा रहे थे। बाबा जी के पास एक छाबी थी जिसमें बहुत सारा फल था, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नूरानी चेहरा उनका। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा मम्मा मुझे उनसे कुछ फ्रूट लेना है। तो मैं भी गाड़ी में थी, एवरीबडी वाज सिटिंग इन द कार, तो मैंने उनको इशारे से बुलाया कि यू नो बाबा जी आप इधर आइए। तो बाबा जी आए पास, उन्होंने कहा जी बच्चे, मैंने कहा बाबा जी मुझे आपसे फ्रूट चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरीज चाहिए, कैसी हैं? तो उन्होंने कहा बच्चे पता नहीं कैसे हैं, आप खाकर देख के मुझे बता दें। मैंने कहा ओके बाबा जी आप ले आए, आई गेट देम फ्रॉम यू। और वो बाबा जी नहीं जानते थे दैट आई वाज इन अ व्हीलचेयर और दैट आई एम अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। और वो आए, उन्होंने फल दिया, हमारी कुछ एक दो बातें हुई जिंदगी के बारे में, और अगेन नहीं जानते थे वो कि मैं किस कंडीशन में हूँ या मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। उन्होंने एक बात कही, ही लुक्ड एट मी इन द आईज, उन्होंने कहा कि बेटी एक बात कहूँ, मुश्किलों के बगैर रब नहीं मिलता। और जब उन्होंने वो बात की, देयर वाज दिस पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड एकदम से रोना शुरू हो गई मैं, राइट? और बाबा जी ने देखा, वो भी रो पड़े, एंड ही सेड के मगर एक बात और भी कहूँगा तुम्हें, जब तुम्हारा दिल भर जाए तो कभी इंसान के आगे मत रोना, सिर्फ अल्लाह के आगे रोना। एंड आई जस्ट, मैंने ऊपर देखा कि अल्लाह ताला आप जानते थे मुझे ये सुनना था, इन अल्फाज की ज़रूरत थी मुझे, तो आपने एक बाबा जी को भेज दिया। एंड इट्स सो ट्रू कि आप रब की तलाश में है और आप चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, ये मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आपकी तलाश वो नहीं है तो फिर आप जिए, आप
आप पेनलेस जिंदगी गुजारिए, मगर पेनलेसनेस आपको हार्टलेस बनाती है। मैं अगर आज तकलीफ में हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, नॉट बिकॉज ये एक जुमला है, यू नो आई अंडरस्टैंड योर पेन, नो आई एम इन पेन एंड दैट कनेक्ट्स मी विद यू एट अ वेरी ह्यूमन लेवल। और अगर इस पेन से रब को आप ढूंढ सकते हैं या वो आपको मिल सकता है तो कोई बात नहीं, ये एक ब्लेसिंग है, ये कर्स नहीं है, ये अल्लाह का अजाब नहीं है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि किस पे अल्लाह का अजाब है और किसका अजाब नहीं है। हमारे पास ये कब से डिसीजन मेकिंग आ गई, वी डोंट नो अल्लाह ने किसके लिए क्या सोचा या अल्लाह किसको माफ़ या माफ़ नहीं कर रहा है। जस्ट अ थॉट फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक लाइक दैट। नहीं भाई, जब पहली बार आपने ब्रश उठा के पेंट करने की कोशिश की, आपका हैंड हाथ डिफॉर्म था और डॉक्टर ने कहा था आप दोबारा पेंट नहीं कर सकेंगी, कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। और जब उठाया, गिरा, पेन हुई, दर्द हुई, क्या प्रोसेस था? अच्छा, डिफॉर्मिटी इस तरह है राबिया की, क्योंकि रेडियस अल्ना दोनों फ्रैक्चर हुए थे तो इसमें प्लेटिंग होनी थी, और अभी भी आई कैन नॉट मूव माई रिस्ट, आई जस्ट कैन नॉट। तो जी राइट, तो मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं घुमा सकती अपने हाथ को, इट्स स्टिफ। और उस वक्त तो खैर उंगलियाँ भी बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी, और तो डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि बहुत वक्त लग जाएगा। तो उन्होंने ऐसी शुगल में पूछा, मजाक में पूछा, डू यू हैव अ प्लान बी। मैंने को बोला था मैंने आर्टिस्ट बनना है, यानी आई वाज क्राइंग, और इस हाथ की चोट मुझे इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी, या शायद आई वाज सो अनअवेयर एट दैट पॉइंट, आई वाज जस्ट 21, कि आई एम अ पैरालाइज्ड वुमन नाउ। मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था उस लम्हे जब मैं हाथ के लिए रो रही थी कि मैं पेंटिंग नहीं कर सकूंगी, कि आगे मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है, राइट? तो मेरे भाइयों ने, उन्होंने सबसे पहले तो कुछ स्केच बुक्स ला कर दी कि जस्ट जो भी कर सकती हो करो। लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, जब मैंने पहली बार पेन पकड़ा था ना राबिया, मैंने अल्लाह लिखा था, माशाल्लाह, और मैं नहीं लिख पाई थी, और वो बहुत अजीब सा लिखा था। और जब मैंने वो लिखा और मैंने देखा है ना, मैं लाइक अल्लाह मैं तेरा नाम भी नहीं लिख सकती, यू नो आई फील सो हेल्पलेस, कि मैं तो अब कहाँ ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, एंड लुक हियर आई एम अनएबल टू राइट योर नेम, सो गिव मी द स्ट्रेंथ, आई वॉन्ट दिस बैक। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मगर मेरे हाथ को ठीक कर दें आप, यू नो। और ये मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि सबसे पहले अल्लाह का नाम लिख लो, यू नो। और जब वो लिखा तो वो बस बहुत बहुत बुरी लिखा, वो लिखा हुआ है कहीं अभी आपके पास? नहीं। तो जब पहली पेंटिंग बनाई आपने, देखा उसको, तो क्या लग रहा था, क्या क्या एहसास था, खुशी हो रही थी या ये बोला ये क्या बना दिया मैंने? नहीं, उस वक्त तो इट वाज दी ओनली, यू नो वो कहते ना कि आपने वेंट आउट करना होता है, राइट? वालदा कभी नहीं रोई, कभी नहीं रोई कि यू नो क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ, एक ही बेटी, यू नो। बल्कि जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो हैं तो मैं हूँ, राबिया वो ना होती तो पता नहीं क्या होता। तो उस वक्त मुझे बस कुछ चाहिए था कि मैं बगैर किसी को कुछ बताए जो अंदर चल रहा था ना, बस वो मैं सब शेयर करूं, राइट? बिकॉज मैंने कभी थेरेपी नहीं कराई उस वक्त, 14 साल पहले थेरेपी का क्या कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था। बस आपको उस फेस से, मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावने ख्वाब आते थे, मुझे बार बार लगता था कि मैं खाई में गिर रही हूँ, मुझे बार बार लगता था मेरे ऊपर छत गिर रही है, यू नो। तो मैं चीख कर उठती थी व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल। तो उस वक्त आई नीडेड टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस। और तस्वीर बनाने में या रंगों से कुछ करने में मैं सिर्फ अपने आप को, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर रही थी, और वो खूबसूरत है, वो बदसूरत है, दैट वाजंट द पॉइंट। तो दैट रियली हेल्प्ड मी एक्चुअली। मुझे लगता है कि वो एक थेरेपी सेशन हुआ करता था जब मैं अपने डिफॉर्म्ड हाथ से कुछ ना कुछ, वो तो बेचारे मेरे भाइयों से पूछें जिनको मैं कहती थी कैसी है, तो वो कहते थे बहुत अच्छी है, बहुत बेचारे, तो उन्होंने बड़ा झूठ बोला मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं हल्का फुल्का करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि वो आपको अच्छा लगा बुरा लगा। अच्छा, कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप उस चीज़ से क्या कैसे गुजर रही होंगी, बट मकसद यही था कि किसी तरीके से हल्की सी बात करके आपको उस तरफ ले आऊं और इतना डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछूं, तो माय अपोलॉजीज नॉट एट ऑल अगर वो इनसेंसिटिव लग रहा हो कि व्यूअर्स को भी और आपको भी। आप 2 साल बेड पे थी जी, आपको पता था कि ये 2 साल के लिए या उस वक्त इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम था? इनडेफिनिट इसलिए था राबिया क्योंकि अगेन फिर मैं जाऊंगी 14 साल पहले, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी, अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया पे आपको मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें इतनी खुली दस्तियाब नहीं थी। आपको कोई ये नहीं बताता कि प्रेशर सोर क्या होता है, आपको ये नहीं बताते कि जब आपको कैथेटर लगेगा, क्योंकि पैरालिसिस में यू लूज़ योर ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल,
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबडी शुड नो कि ब्लैडर और बाउल कंट्रोल जब नहीं होता तो आपको चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं, जो मैं पिछले 14 साल से विद हेल्प ऑफ माय मदर कर रही हूँ. उसमें इन्फेक्शंस भी हो रही थी, उसमें बहुत सी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे, उसमें मुझे कॉन्स्टेंट नर्व पेन भी हो रही थी जो अभी भी होती है. इट्स द काइंड ऑफ पेन जिसको फैंटम पेन कहते हैं. लोग शायद इंटरनेट पर देख सकें तो उनको अंदाज़ा होगा, पैरालिसिस में ये तमाम चीज़ें होती हैं. तो जब मैं बिस्तर पर थी तो बेड रिडन होने की रीज़न ये थी कि मेरे जिस्म पे बहुत बड़े बड़े सोर्स बन गए थे और वो हील नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ना मैं फिजियोथेरेपी कर सकती थी, ना मैं बैठ सकती थी, ना मेरी ब्लड सर्कुलेशन थी. तो वो बस दो साल, और मैं जिस पोस्चर पे थी वो मैं आपको क्या बताऊँ, वो होते ना कि आप सीधे भी नहीं लेट सकते, सोर बनेगा, आप करवट भी नहीं ले सकते क्योंकि सोर बनेगा. तो वो मुश्किल वक्त था. उसी लम्हे लेट कर मुँह धोना, लेट कर टूथब्रश करना, शैम्पू करना, बहुत दफ़ा ऐसा होता था क्योंकि आप इतना लंबा अरसा लेटे रहते हैं तो आपके बाल जुड़ जाते हैं, तो मामा बाल काट दिया करती थी, राइट. तो आई मीन बिस्तर पे उल्टा लेटा कर सर बाल गिरा कर शैम्पू करना, इट्स बीन अ जर्नी राबिया, यू नो. अगेन सी आई एम री लिविंग एवरी मोमेंट नाउ, और इट वॉज टफ इवन नाउ. एज ए सेट कि पिछले साल भी 2 महीने के लिए आई वॉज बेड रिडन, ये सेम स्टोरी थी, ये सब कुछ था. लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर कोई एक मोटिवेशनल बात लिख दिया करती थी, शायद वो अल्फाज मुझे सुनने थे उस वक्त, तो वो शायद मैं अपने लिए किया करती थी और उसके थ्रू बाकी लोग भी इंस्पायर होते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि बंद कमरे में क्या कुछ चल रहा है. तो इट वॉज टफ. तो जो लोग इस वक्त इसी तरीके की सिचुएशन में होंगे, किसी भी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बेड रिडन है, या कभी कभी ऐसा होता है मुनीबा, फिज़िकल डिसेबिलिटी या फिज़िकल चैलेंजेस नहीं भी हों तो आपके मेंटल हेल्थ इशू ऐसे होते हैं कि आप स्टक हो जाते हैं, आप नहीं मूव. आप कुछ एडवाइस दे सकती हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि इस पीरियड को कैसे सर्वाइव किया जाए? आपने कैसे सर्वाइव किया? बेशुमार बे इंतहा पेशेंस, इसके अलावा कोई हल नहीं है राबिया. मेरे अराउंड क्या हो रहा है मैं उसको नहीं बदल सकती. मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं चाहूँ कि मैं चल सकूँ और मैं एक कदम उठा लूँ, राइट. इंसान बहुत पावरफुल है, येट वी आर वेरी वनरेबल, हम बहुत बेबस हैं. तो मुझे लगता है कि इंसान एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ और वनरेबिलिटी का. कुछ ऐसे लम्हात होते हैं राबिया कि जिसमें आप वनरेबिलिटी की पीक देख रहे होते हैं, बेसिक चीज़ें आप नहीं कर पाते, अपने लिए पानी नहीं पी पाते या कुछ भी रीजंस होती हैं. तो कुछ ऐसा होता है राबिया कि यू नो आई जस्ट पिक अप माय फ़ोन रात के वक्त और मैं देखना शुरू कर देती हूँ या मैं ईमेल्स चेक करनी शुरू करती हूँ, एंड देन आई सी दैट हाउ पीपल ओपन अप अबाउट देयर लाइफ एक्सपीरियंसिस विद मी. ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानती वो अपने इतने पर्सनल एक्सपीरियंसिस शेयर करते हैं, और वो कहीं एक रैंडम कॉमेंट या मैसेज जो कहता है कि यू नो बिकॉज ऑफ यू आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, वो मुझे एक स्ट्रेंथ की पीक पर ले जाता है, राइट. तो अल्लाह ताला मुझे दोनों चीज़ें दिखा देते हैं कि हाँ वल्नरेबिलिटी है, सो मच सो दैट यू कैन नॉट इवन गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, बट हियर यू आर, दैट योर वर्ड्स आर चेंजिंग लाइव्स. और अगर आप इन दोनों चीज़ों में सब्र कर लेना कि अल्लाह ताला जो मेरे अराउंड है मैं वो नहीं बदल पा रही, मगर अंदर से ना मुझे इतना मजबूत कर दें कि ये वक्त बस गुजर जाए. कुछ कुछ वक्त आपको गुजारना पड़ता है, और वो पेशेंस के अलावा देयर इज नो अदर वे. सो बेसिकली आप कह रही हैं कि हिम्मत पकड़ो और बस गुजारो उस टाइम को, सब्र कर, उम्मीद नहीं छोड़ो, उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ो. हो ही नहीं सकता इंसान, देयर इज नो लूजिंग होप इज नॉट एन ऑप्शन, इट शुडंट बी एन ऑप्शन. फेलियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देयर आर टाइम्स व्हेन यू फेल बट देन यू गेट बैक अप. आई मीन दैट्स ओके. आई फेल 1000 times. As I said, बाज़ दफ़ा दिल नहीं करता उठने का, बाज़ दफ़ा व्हील चेयर से गिरते गिरते खुद को संभालते हैं, बाज़ दफ़ा हज़ार चीज़ें. फेलियर तो आपके साथ जुड़ा है, कामयाबी फेलियर साथ चलेगा. ना उम्मीदी का कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए, क्योंकि ना उम्मीदी का मतलब ये कि आपका इस बात पे ईमान ही नहीं है कि कोई है जो आपका ख्याल रखता है, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है. तो वो तकलीफ़ में भी सुकून दे देगा राबिया, एंड सुकून इज़ इम्पोर्टेंट. और सुकून तब तक नहीं मिलेगा आपको जब तक सब्र, शुक्र, तवक्कुल, ये तीनों चीज़ें आपके अंदर नहीं है. इसके अलावा आप लाख खुशियों की तलाश में चले जाएं. हम कहते हैं ना कि यू नो व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, क्या है खुशी? एक लम्हे की मुस्कुराहट, एक अच्छी तारीफ, एक अच्छा कॉमेंट. आज आप
आप हैप्पीनेस इंजॉय कर रहे हैं, इट्स अ वेरी टेम्पररी मोमेंट, इट्स अ वेरी टेम्पररी इमोशन, अगले लम्हे आप उदास हैं. व्हाट स्टेज फॉर एवर इज, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, सुकून कल्ब, दिल का सुकून. और आप देखिए अगर आबिया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास दुनिया की सारी आसाइशें हैं, असूलन तो उनको बहुत खुश होना चाहिए मगर वो बेसुकून है. ऐसे भी लोग हैं हम जैसे, यू नो, छोटे मोटे जो कॉन्स्टेंट तकलीफ में है, राइट, लेकिन हम सुकून में हैं. तो मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी में से कुछ भी आप मुझसे ले लें, लेकिन सुकून एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं खोना नहीं चाहूँगी. और वो सिर्फ तब आता है जब आप सब्र से, कनात से, शुक्र से काम लेते हैं. नाइल की बात करें, पहले एक हैवी सवाल और कर लूँ. आने दीजिए, हैवी सवाल आने दीजिए. मुझे लग रहा है फ्लो बना हुआ है तो. जी ज़रूर. मुनीबा, मोहब्बत क्या है आपके ख्याल में? मोहब्बत की इंसान की ज़िंदगी में क्या हैसियत होती है? इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत से लोगों को मोहब्बत नहीं मिलती, अल्लाह ज़िंदगी में नहीं देता. जी. मुझे नहीं पता आपको मिली नहीं मिली, तो उससे एक ज़िंदगी में एक खलास आ जाता है. क्या करें कि वो जो एक खला कायम होता है वो हमें डिबो के ना ले जाए, हम उसमें गिर ना जाएं? क्योंकि बहुत से लोग हैं, जिनको, जो चाहते हैं मोहब्बत, वो किसी भी वजह से, वो आपकी किसी फिजिकल कंडीशन, आपकी इमोशनल सिचुएशन, वो अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो उसने चूज़ किया कि वो नहीं हो, तो नहीं होती है. मोहब्बत एक बहुत ही मीनिंगफुल और डीप लव से, ये राबिया, इसको हमने एक इंसान से मंसूब क्यों कर दिया है? व्हाई मोहब्बत इज जस्ट कंपेनियनशिप? क्योंकि वो, ओके, सो डिफरेंट टाइप की मोहब्बत होती है, बट वो वाली मोहब्बत तो अल्लाह ने फिर एक इंसान से ही आपके लिए रखी है ना, वो जो आपका शौहर या आपका मंगेतर या जो. मगर दुनिया में हर शख्स तो ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में एक पार्टनर है, तो इसका मतलब है यू कैन लिव विदाउट इट आल्सो. बिल्कुल, देयर इज अ वे. मोहब्बत किसी भी शेप या फॉर्म में किसी भी इंसान से हो, मोहब्बत मौजूद होती है. तो ये कहना कि एक खला आ गई, हाँ मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ अल्लाह को ये लगा कि अब इनका चैप्टर खत्म हो गया है, राइट. हर इंसान का जिंदगी में एक चैप्टर है, वो बंद होगा, नया चैप्टर खुलेगा. लेकिन मैं ये बात जरूर बताऊं कि मैंने मोहब्बत को कभी एक सर्टन फ्रेम में नहीं देखा कि इफ आई एम विद समवन इन कंपेनियनशिप वो ही मोहब्बत है. ऐसा नहीं है. मोहब्बत शुरू होती है आपकी ज़ात से, सेल्फ लव, दैट यू लव योर सेल्फ इनफ दैट यू विल नॉट लेट एनी वन बिट्रे यू, that you love yourself enough कि जब आपको एक टॉक्सिक बिहेवियर नज़र आए, जहाँ आपको ये कहा जा रहा हो, और कितनी खवातीन ने ये चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में कि बड़े पर निकल आए हैं, सारी हवा निकाल दूंगा, आई कैन रिप्लेस यू लाइक दिस. लव योर सेल्फ इनफ टू लेट गो ऑफ पीपल हु आर हर्टिंग यू, दैट इज मोहब्बत, राइट. कितने ऐसे लोग हैं राबिया जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं इस डर से कि यार ये तो मेरी मोहब्बत है. एक ऐसा इंसान जो आपकी कदर नहीं कर रहा, एक ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो आपको ये एहसास दिला रहा है दैट यू आर रिप्लेसेबल, एक ऐसा इंसान जो ये कहता है कि यू नो तुम्हारी कामयाबी में मुझे मेरी नाकामी नज़र आ रही है, आपको लगता है कि आप उस शख्स को मोहब्बत कहना चाहेंगी या आप उस शख्स को कहेंगे कि ओ माई गॉड दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ? व्हाट्स हैपनिंग इन मीडिया राइट नाउ इज़ दैट Women are falling in love with their abusers. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक फ्रेंड हो, चाहे वो एक हस्बैंड हो या अदर वे अराउंड हो. इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिससे हमारे यहाँ बहुत सी खवातीन गुजरती हैं. एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आप अपने अब्यूसर से मोहब्बत करने लगते हैं, राइट. दैट्स वेरी स्केरी. हमारे यहाँ ड्रामाज में उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है. मेरे ख्याल से सबसे पहले जब अल्लाह कहते हैं ना कि मैं अपने बंदे को 70 माओं से ज़्यादा चाहता हूँ, तो अल्लाह चाहता है कि वो शख्स किसी दूसरे शख्स के हाथों जलील ना हो, राइट. और जब आप अपने आप को, अपनी ज़ात को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, उस इज्जत को प्रोटेक्ट करते हैं जो अल्लाह ने दी है, यू विल नेवर फॉल फॉर अ रॉन्ग पर्सन, यू विल नेवर. और फिर आपको मोहब्बत किसी भी शेप और फॉर्म में मिल जाएगी. राबिया, मैंने, आई हैव नेवर चेज्ड लव, मैंने हमेशा ये देखा कि मोहब्बत मेरी तरफ आई है, मुझे भागने की या दौड़ने की, यू नो मेटाफोरिकली स्पीकिंग, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट. मुझे मोहब्बत अपने बेटे में नज़र आती है, मुझे मोहब्बत अपनी माँ में नज़र आती है. तो मैंने कभी भी उसको एक शख्स के फ्रेम में नहीं रखा. और मैं इतने सालों से आपके सामने हूँ और मैं खुश हूँ और मैं सुकून में हूँ और मैं ज़िंदा हूँ, तो इसके बगैर सर्वाइवल है. मोहब्बत को ऑपोजिट जेंडर में ही ढूँढना छोड़ दीजिए,
और जो इंसान आपके लिए बेहतरीन होगा वो अल्लाह आपके सामने ले आएगा, उसके लिए आपको एफर्ट या कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। द रीज़न मैं ये सवाल पूछूं, जो आपने कहा वो सब कुछ बिल्कुल सही है और आई विश कि ऐसा ही हो, लड़कियां और ख़वातीन और मे भी बहुत से मर्द हजरात भी मैं कहूँगी वो ये स्टेप ले नहीं पाते हैं। मैं बहुत सी जगहों पे देखती हूँ कि वो लड़कियां, उन्हें पता है रेड फ्लैग्स हैं, उन्हें पता है ये शख्स इज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, वो उस रिलेशनशिप को नहीं ख़त्म कर पाती हैं, वो एंड वो दर्द में भी हैं लेकिन वो एक डिनाइल में भी हैं कि एक दिन ये सब चीज़ चेंज हो जाएगी। एंड मैं टू बी ऑन जस्ट टू बी फेयर टू बोथ, ये बहुत से मर्द हजरात के साथ भी हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। हमारे यहाँ अक्सर ये बात की जाती है ना, बच्चे के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैं उन तमाम ख्वातीन से एक बात कहूँगी कि अब्यूज़ आप बच्चों के सामने अगर बर्दाश्त कर रही हैं ना, तो आपका बेटा बड़े होकर अब्यूज़र बनेगा और आपकी बेटी बड़े होकर जब अब्यूज़ बर्दाश्त करेगी तो ये सोच कर करेगी कि मेरी माँ ने भी तो बर्दाश्त किया था, सो वॉट राइट। लोग क्यों नहीं निकलते, ये राबिया एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है राइट। बहुत सी ख्वातीन हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं येट दे स्टिक विद द रॉन्ग पर्सन थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि उनके अंदर इमोशनल इंडिपेंडेंस नहीं है दैट आई कैन बी ओके विद माई सेल्फ, आई एम ओके टू बी ऑन माई ओन। जितना इम्पॉर्टेंट एक लड़की के लिए या लड़के के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आज के दौर में तो लड़के लड़कियों दोनों के लिए इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है कि मैं मेरे साथ हर वक्त कोई शख्स मौजूद रहे साई की तरह, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कोलैप्स। नो, अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया है ठीक है। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है यू आर ब्लेस्ड। मैं कहती हूँ शादी से या रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो उससे बड़ी नेमत कोई नहीं, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है उससे बड़ी जहमत भी कोई नहीं है ठीक है। तो लोग क्यों नहीं निकलते, ये एक बहुत ही ज़ाती बात है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात है ना, लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करो, एक दुनिया के आगे एक खूबसूरत तस्वीर कशी करो, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है। मर्द करे या औरत करे, उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि शायद मेरी इन झूठी तारीफों से ही उस शख्स का दिल बदल जाए, शायद वो ये देख ले कि दुनिया में मेरी इज्जत बनाई जा रही है, शायद उसकी सोच बदल जाए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इवन इफ़ यू आर डूइंग राइट थिंग्स फॉर द रॉन्ग पीपल, नथिंग राइट विल कम आउट। तो जब आपको लगे कि स्टोरी में आप फ्लॉ हैं या आपको ये बताया जा रहा है दैट यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, और आपको ये लगे कि ना ये शख्स आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है ना आप उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पार्ट वेज, डू नॉट डीमनाइज इट, इट्स वेरी पेनफुल ऑन बोथ पार्टीज, बट देन एट द सेम टाइम अगर आप उसमें से निकल कर बेहतर इंसान बन सकते हैं तो वाई नॉट। नाइल को अडॉप्ट किया आपने जी, गाना गाते हैं आप दोनों मिलके कभी कभी? अच्छा नाइल, नाइल क्योंकि बहुत कूल है ना, तो हाँ। नाइल के अभी जो चॉइसेस ऑफ सॉन्ग्स हैं वो बहुत डिफरेंट है राबिया, हाँ। और बल्कि पाकिस्तान में स्पेशली वो अब्दुल्ला सिद्दीकी का बहुत बड़ा फैन है। इनफैक्ट आई टोल्ड अब्दुल्ला आल्सो दैट नाइल इज योर बिग फैन, इज अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। तो बचपन में जाहिर है जब वो मेरे साथ नहीं गा सकता था, छोटू सा था, तो मैं कुछ गुनगुनाती थी, सुनाती थी उसको क्यूट क्यूट सी चीज़ें। एक लोरी होती है जिस तरह, मतलब दुरूद की लोरी होती है जो मेरी अम्मी मुझे सुनाया करती थी, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अभी भी इट्स अ लॉट ऑफ फन, मतलब हम साथ गाते तो नहीं है लेकिन ये कि वो इंजॉय करता है, अगर मैं कुछ गाऊँ रिकॉर्ड करूँ या वीडियो हम लोग रिलीज कर दें तो वो सुनता है तो कहता है यू नो आई लाइक इट। अब माशाल्लाह सी इज 10 इयर्स ओल्ड, 11 अप्रैल में इंशाल्लाह 11 साल का हो जाएगा। तो अब तो वो बड़ा हो गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हो गई है, अब वो आपको आपकी सिचुएशन को बहुत बेहतर समझता होगा। क्या चेंज आया आपकी और उसकी रिलेशनशिप में, एंड हाउ डू यू फाइंड कि ये सिचुएशन ने उसको कैसे शेप किया है? पता नहीं, मुझे लगता है कि नाइल बचपन से ही वो बहुत मुख्तलिफ बच्चा था। वो लोग जो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, बहुत क्लोजली जिन्होंने मेरी फैमिली को, लाइफ को देखा है और नाइल को देखा है, उन्होंने हमेशा नाइल को एक मुख्तलिफ बच्चे की तरह देखा है। क्योंकि राबिया जब आपके बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं ठीक है, वो शायद ये बात मुझे कह ना पाए कि सारे बच्चों की माएँ चलती फिरती भागती दौड़ती हैं, पार्क्स में जाती हैं, सब कुछ होता है, मेरी अम्मा क्यों नहीं करती, वो ये बात मुझसे कभी नहीं कहेगा बिकॉज ही इज़ सो अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि काश इस दुनिया में सारे बच्चे हो जाएं और कोई बड़ा ना हो, हमारी जिंदगियां इतनी पुरसकून हो, क्योंकि बच्चे जज नहीं करते, बच्चे आपको कमी का एहसास नहीं दिलाते। मेरे लिए बहुत आसान होता है छोटे छोटे बच्चों में बैठकर उनसे बातें करना, मैं बड़ों के सामने बैठकर मैं कहती हूँ यार यू नो आई डोंट फील कम्फर्टेबल, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जो बच्चा होता है वो मुझसे पूछता है तो फिर आंटी आप नाश्ता कैसे करती हैं,
तो आंटी फिर आप लेट आप इसी पे सो जाती हैं. दे आर सच क्यूट एंड इनोसेंट क्वेश्चंस, यू नो. और मैं कहती हूँ कि काश हम सब ऐसे हो जाएं, यू नो, कि हमारे अंदर वो इनोसेंस और वो काइंडनेस आ जाए कि बच्चा सोच कर बात करता है कि कहीं मेरी बात से नाइल इज दैट. वो बहुत बहुत काइंड, बहुत ही, मैं तो कहती हूँ मेरा अब्बा है, वो ऐसे मुझे गले लगाता है. अच्छा. एंड यू नो माशाल्लाह वो दिनों में बड़ा हो गया. कि मैं पिछले दिनों नाइल को बता रही थी कि नाइल आपको पता है आपने शुरू शुरू में खड़ा कैसे होना शुरू किया, वो मेरे व्हील्स को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता करके खड़ा होता था. तो कुछ ऐसे भी वाकयात होते थे, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते थे जहाँ ओफ आई यूज टू फील सो हेल्पलेस राबिया, कि मामा अगर यू नो इफ शी इज़ नॉट अराउंड और वो कहीं मतलब किसी कमरे में है, कुछ काम कर रही हैं, तो नाइल छोटा सा होता है, हम कहते हैं ना बच्चे को बिस्तर के बिल्कुल बीच में सुलाते हैं कि खुदा ना खास्ता वो रोली पोली करे तो गिर ना जाए. तो एक दफ़ा नाइल सो रहा था, बीच बेड में था जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता बिकॉज आई एम इन द व्हील चेयर. तो एक दफ़ा वो सोते सोते उठ गया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड मामा वाज समवेयर कॉट अप, वो नहीं आ सकी. ओ माय गॉड राबिया, यू हैव नो आइडिया. अब बच्चा मेरा बिस्तर के बीच में रो रहा था और मैं यहाँ बैठी थी एंड आई जस्ट कुड नॉट रीच, मैं उस तक नहीं पहुँच पा रही थी. और नाइल उस वक्त 4 महीने का होगा और पता नहीं मैंने उसको कैसे खींच खींच के अपने व्हील चेयर के करीब किया, फिर मैंने उसको अपने शोल्डर पे लगाया, फिर मैंने उसको खींच कर उठाया. एंड व्हेन आई हग्ड हिम एंड आई सेड नाइल यू नो तुमने जीने का मकसद दिया है मुझे, राइट. और इस तरह के बहुत से मोमेंट्स आते हैं राबिया जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं, राइट. फिर उसके बाद जब एक बच्चा आपके आगे जवान हो जाए और जहाँ आप उसको अपनी गोद में छुपाते हैं वहाँ वो कहता है कि यू नो जस्ट यू नो यू कैन रेस्ट योर हेड ऑन माय शोल्डर एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट मामा, इट्स गोइंग टू बी ओके. और ही इज अ ब्लेसिंग, सुभान अल्लाह. आई मीन अल्लाह की शान है ना कि वो बेबसी में भी आपको कितना कुछ नवाज देता है. और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला दिस इज व्हाट यू प्लान्ड फॉर मी. मैं तो अपने लिए कुछ भी प्लान करती वो कभी काफी ना होता. नो वंडर ही इज द बेस्ट प्लानर. डेफिनेटली डेफिनेटली. कोई और स्टोरी है मजे की नाइल के बचपन की जो सुना सके? सम टाइम यू पैनिक्ड कि मैंने क्या किया ये? नहीं अल्लाह, मैं कहती काश ही मैं पहले कर लेती. अरे नहीं कभी नहीं, ये तो कभी मतलब हमारी आदतें इतनी मिलती हैं राबिया. मैं आपको बता भी रही थी कि मुझे आदत है कि मैं जब भी कहीं ग्रोसरी शॉपिंग कुछ भी कर रही होती तो मैं हमेशा 2 चीज़ें लेती हूँ, राइट. अगर कोई टूथब्रश है या कोई इवन अगर चॉकलेट का पैक है तो आई विल गेट 2. और ये आदत नाइल में भी है. एवरी टाइम ही गोज फॉर वट एवर कैंडी शॉपिंग तो वो कहते हैं नो आई एम गोइंग टू गेट 2 और आई एम गोइंग टू गेट 4. मैं कहती हूँ व्हाट्स दिस, लाइक ये इवन वर्ड्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है. बट हमारी बहुत सी आदतें मिलती हैं. ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही कैन रीड माई फेस. If I'm going through something, he'd be like, "You don't seem right. I'll see you later." And then he goes. So he gives you time. Oh, he does. Wow. Okay. He is, Alhamdulillah, वो इतना mature बच्चा है कि उसको पता है when mama needs space, and when he's not understanding, I look at him and say, "Nah, you know, I need just give me 5 minutes. I need my own space." And he goes. And then he comes when I call him. और बहुत राबिया उससे तो मैं इतना सीखती हूँ. आई मीन हर दिन कुछ ना कुछ. ही इज अमेजिंग माशाल्लाह. व्हाट अ ब्लेसिंग. वीवा, व्हाट वुड यू से, आपको लगता है सिंगल वुमन जो बहुत दफ़ा शादी नहीं होती, उम्र ज़्यादा हो जाती है, बहुत दफ़ा नहीं मिलता आपको अपनी, बहुत दफ़ा आप शादी करके अलहदा हो जाते हैं, बेवा हो जाते हैं या किसी भी वजह से, आप वुड यू एडवाइज़ कि ये एक चीज़ है अडॉप्शन जो मे बी जो औरतें अकेली हैं उनकी ज़िंदगी इनको थोड़ा बेहतर कर सकें, कंपेनियनशिप की जो हम एक वो ऑपोजिट जेंडर में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं वो शायद इससे थोड़ी सी हो जाए? लाइक व्हाट वुड यू से अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट? क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी और जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही थी तो मुझे ये चीज़ स्ट्रक की कि ये आपका जर्नी आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हल्की सी कम्फर्ट आई तो नाइल एक बहुत बड़ा सबब है उसका. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. अच्छा देखिए, अडॉप्शन का एक पूरा प्रोसेस है राबिया. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइनर यानी बच्चे की सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाता है, राइट. उसमें बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट प्रोसेस. क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई बच्चा क्यों अडॉप्ट कर रहा है, यू डोंट नो. आप नहीं, किसी का दिल किया बच्चा गोद लेने का, 4 साल के बाद उसका दिल नहीं कर रहा गोद लेने का, राइट. तो बहुत सारी चीज़ों को जहन में रख के बच्चे की प्रोटेक्शन और उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रख के लोगों को बच्चे दिए या ना दिए जाते हैं. आई विश कि ये सिलसिला थोड़ा आसान हो जाए ताकि बहुत से बच्चे जो मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं और बहुत से वालदैन जो औलाद के लिए तरस रहे हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए. सिंगल मदरहुड के बारे में बस मैं ये कहूँगी राबिया कि
मैंने कभी नाइल का बाप बनने की कोशिश नहीं की, राइट? आई एम नॉट हिज फादर, आई कैन नेवर बी, आई डोंट इवन वॉन्ट टू बी. मैं सिर्फ उसकी माँ बन के ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और ये नाइल को पता है. हम कहते हैं ना कि सिंगल पेरेंट को बाप भी बन के पालना पड़ता है, माँ भी बन के. नो, आई डिसएग्री विद दैट. एक जो फादर का रोल है ज़िंदगी में, वो माँ रिप्लेस नहीं कर सकती. जो माँ का रोल है, वो बाप रिप्लेस नहीं कर सकता. मगर आप सिंगल हैंडेडली भी चीज़ों को बखूबी मैनेज कर सकते हैं. उसमें फादरली फिगर, मेरे दो भाई हैं मेरे बेटे की ज़िंदगी में, अली मामू हु लिव्स इन US, मेरा छोटा भाई हु लिव्स विद अस. तो हम सब मिलकर एज अ फैमिली चल रहे होते हैं. और मैं तो ये भी कहती हूँ कि नाइल की माशाल्लाह मेरे से पहले मेरी वालदा माँ है, राइट? क्योंकि एज आई सेड कि मैं तो उसको बिस्तर से उठाकर गोद में भी नहीं बिठा पाती. तो अल्लाह ताला मेरी वालदा को बहुत लंबी ज़िंदगी दे. आई मीन शी इज़, मैं कहती हूँ पहले वो माँ है और उसके बाद मैं उसकी छोटी माँ हूँ. तो लेकिन आपने जिस तरह बात की अडॉप्शन की, तो आई विश ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर सकते, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है बच्चों की सेफ्टी के लिए, तो आप कुछ कह नहीं सकते. लेकिन बट यू थिंक अच्छा, जो ख़वातीन सोच रही हूँ कि वो ये करें, आप उनको क्या कॉशन करना चाहेंगी, या उनको दो तीन, कॉशन तो मैं गलत वर्ड बोलूँगी, मतलब कि वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही हैं, तो उनको जहन में क्या चीज़ रखनी चाहिए? वैसे तो मेरा ख्याल है सिंगल वुमन का पाकिस्तान में अडॉप्ट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. यू कैन या गार्डियन कर सकते हैं, या अगर हो जाए, हदीका कियानी ऑल्सो वेंट अराउंड, बट उनका भी थोड़ा मुश्किल ही था. तो आप क्या दो तीन बातें बोलेंगी कि वो लड़कियाँ या ख़वातीन जहन में रखें, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन. इसलिए अडॉप्ट नहीं करें कि आपको ज़रूरत है, आप बोर हो गए हैं. अडॉप्शन, ये याद रखिएगा कि जिस बच्चे को आपने गोद लिया है, उससे अगर आप ज़्यादती करेंगे और उसकी आंख से एक आंसू निकलेगा ना, तो कहते हैं आसमान हिलता है. तो ये एक बहुत ही एक तलवार है जिस पे आप चलते हैं, कि आपने बच्चे को, वो कहते हैं ना कि सोने का निवाला भी देना है, मगर इतनी सख्त नज़र रखनी है कि कहीं दिल दुख जाए और उसकी आँख से आंसू ना आ जाए. क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है. अल्लाह विल टेक केयर ऑफ देम. अगर आपको अल्लाह वसीला बना रहा है, तो ये उसका करम है आप पर. तो बहुत सोच समझ कर, और ये बात भी याद रखिएगा कि लोग बहुत सी बातें करेंगे. लोग कहेंगे कि बेटा गोद ले लो, लोग कहेंगे बेटी गोद ले लो, मगर मैं ये बताऊंगी अडॉप्शन में चॉइसेस नहीं होते. जब आप कहते हैं ना आई वॉन्ट टू अडॉप्ट, तो उसमें आप अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो मेरे हक में बेहतर है और जो उस बच्चे के हक में बेहतर है, बस वो कर दे. तो फिर जब आप आंख बंद करते हैं और आप आंख खोलते हैं, तो आप देखते हैं आपकी गोद में एक बेबी आया होता है. सच अ स्वीट स्वीट थिंग टू से. मुझे आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इस मुल्क में क्या 4 से 5 चीज़ें इमीडिएटली करनी चाहिए टू मेक पाकिस्तान एक बेहतर जगह डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए? एक लॉ है जो कि बहुत अरसे से फंसा हुआ है, वो है एक्सेसिबिलिटी लॉ. बस गवर्नमेंट सिर्फ वो कर दे, गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर सकती. गवर्नमेंट हमारी सोच नहीं बदल सकती राबिया, मतलब और क्या करे गवर्नमेंट. के मैं PTV, जो कि एक स्टेट चैनल है, आई एम वर्किंग विद PTV फॉर सो लॉन्ग, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन कि एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टेट चैनल पर. गवर्नमेंट इससे ज़्यादा नहीं कर सकती कि एक मतलब एक लॉ है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत बेसिक चीज़ों में मौजूद नहीं है. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. अगर आप एक घर रेंट करना चाहते हैं और आपने कुछ अरसा वहाँ गुजारना है, तो उस घर के बाथरूम्स की विड्थ इतनी नहीं होती कि आपकी व्हीलचेयर अंदर चली जाए. आपको दरवाजे कटवाने पड़ते हैं, बेसिक्स. मुझे कितने लोग इन्वाइट करते हैं कि आप आ जाइए जी, यू नो, एंड ये करेंगे हम, वो करेंगे, वो बेचारे रैंप नहीं लगा पाते. तो मुझे आकर कहते हैं कि मैम सो सॉरी रैंप नहीं है, या रैंप इतना स्टीप और स्लिपरी होता है कि मतलब उस पर एक नॉर्मल इंसान भी नहीं चल सकता, यू नो. तो आप अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डालकर उस रैंप को कहते हैं यार आप इसको रहने दें, तो फिर ऑप्शन क्या बचती है? मैम हम आपको उठा लेते हैं. तो मैं उस पर लोगों से कहती हूँ कि व्हील चेयर एक्सेसरी नहीं होती, ये जिस्म का वजूद का हिस्सा होती है. आपको कैसा लगेगा कोई आपको कहे आए मैं आपको उठा के ले जाऊँ? इट्स डिसरिस्पेक्टफुल, राइट? तो मुझे क्यों ये कहना पड़ रहा है बींग अ टैक्स पेयर कि ये मेरा राइट है, मुझे चाहिए, ये आपका एहसान नहीं है कि आप मेरे लिए रैंप्स बना रहे हैं. आई एम पेइंग टैक्स उतना ही जितना एक सेहतमंद इंसान दे रहा है, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डे कि किसी को ये एहसास हो कि एक लॉ है जिसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. लॉ मौजूद है, देर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन, बस हुकूमत इतना करते. बाकी सोच की बात है, बाकी शऊर की बात है, जो कि हम 14 साल से मैं चीखती आई हूँ और जब तक आखिरी सांस है मैं करती रहूँगी, कि हमने अपनी सोच को बदलना है. हमने जो एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है ना, नॉर्मल और एबनॉर्मल का, उससे बालातर होकर सोचें.
मतलब योर फिजिकल अपेयरेंस डज नॉट डिफाइन योर केपेबिलिटी. बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं कहती हूँ, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर सो ब्रोकन एंड नन ऑफ देम वर इन द व्हील चेयर्स. तो आप नहीं जानते अंदर किसके क्या तोड़ फोड़ है, लेकिन जो सलाहियत है, केपेबिलिटी है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस. मुनीबा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एज सोसाइटी हम लोग बोल देते हैं, कर देते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि वो गलत है, हमें नहीं बोलनी चाहिए, वो डिफरेंटली एबल लोगों को हर्ट कर सकती हैं? सबसे पहले तो हमें कम बोलना चाहिए. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट राबिया, एवरीबडी इज़ टॉकिंग, नो वन इज़ स्पीकिंग. गुफ्तगू में और बस ऐसे ही बोलने में फ़र्क होता है. जब आप गुफ्तगू करते हैं ना, यू थिंक बिफोर यू स्पीक. कितनी दफ़ा हमने ये बात सुनी है, बट वन यू आर टॉकिंग यू आर नॉट थिंकिंग, राइट? आपने बस आपने खामोशी को भर देना है लफ्ज़ों से, तो जो मर्जी आपके मुंह से निकल जाए, ना आपको उस पर रिग्रेट होता है, ना आप उसके बारे में सोचते हैं. मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जब हम किसी डिफरेंटली एबल्ड इंसान को देखें तो हम उससे कैसे बात करें, हम उससे क्या बात करें. अगर हमें रैंडमली पब्लिक में कोई नज़र आए तो हम क्या करें, क्योंकि हम उसको घूरना नहीं चाहते. तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, क्या कुछ कहना ज़रूरी है? क्या एक मुस्कुराहट से आप काम नहीं चला सकते? डू यू हैव टू गेट इन टू द डिटेल्स दैट व्हाट हैपेंड टू यू? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग शुरू में, खैर अब तो बेचारों को अंदाज़ा हो गया है व्हाट आई हैव बीन थ्रू, बट शुरू में लोगों को नहीं अंदाज़ा होता तो लोग कहते थे, अच्छा तो आपकी एंकल ट्विस्ट हो गई है, तो आप 3 महीने के बाद चल पड़ेंगी. कुछ अंकल्स आते थे, कहते थे, बेटा आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि मेरी जब टांग फ्रैक्चर हुई थी ना, मैं 2 महीने, हेयर लाइन फ्रैक्चर था, मैं 2 महीने के लिए व्हील चेयर पर था, आई अंडरस्टैंड. तो मैं कहती हूँ, नो अंकल, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे पैरालिसिस है एंड इट्स अ कम्प्लीटली अदर बॉल गेम. बेसिक चीज़ें हैं, सवाल ना पूछें लोगों से, क्या हुआ और कब तक व्हील चेयर पर हो, ठीक है? आपको जब तक कोई इंसान व्हील चेयर पर नज़र आ रहा है, याद रखिए कि वो बाई चॉइस व्हील चेयर पर नहीं बैठा, उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो वहाँ है, अपनी खुशी से वो नहीं बैठा हुआ. दूसरी बात, लेबल्स छोड़ दीजिए, लंगड़ी लूली अपाहज माजूर, खुदा का वास्ता. मतलब वो कहते हैं ना कि कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, तो कोई नहीं है कुदरत के कारखाने में, चाहे वो मर्द है, वो औरत है, वो ख्वाजा सरा है, वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की क्रिएशन है, वो जिस शेप और फॉर्म में रखना चाहे ये उसकी मर्जी है. आपने मैंने उसकी रजा में राजी होकर उसको ये बताना है दैट वी रिस्पेक्ट योर क्रिएशन, वी आर नॉट हेयर टू चेंज योर क्रिएशन, वी आर हेयर टू रिस्पेक्ट योर क्रिएशन एंड दैट्स इट. तो जब आप ये लेबल्स छोड़ देंगे इस्तेमाल करने, बड़े बड़े लोग जो बड़ी ताकत में हैं इस वक्त, उनमें से बहुत से लोगों ने कुछ, मैं कभी नहीं बोलती सोशल मीडिया पर, यू नो, मुझे ये लगता है कि हर बात पे ओपिनियन का इजहार ज़रूरी नहीं है, अपने अमल से आप चीज़ों को बदलते हैं. लेकिन एक जनाब थे जिन्होंने कहा कि अगर आपने करप्शन ना छोड़ी, आपके घर में माजूर बच्चे पैदा होंगे. आप देखिए जो करप्ट हो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियों में कैसे अल्लाह अजाब लाता है. सर, यू एग्जैक्टली नो हु यू आर. और उस पर आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, बिकॉज मेरी अम्मी ने मुझे वो क्लिप सुनवाया. उन्होंने कहा, मामा ने कहा, देखो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या सोच है. एंड देन आई ट्वीटेड कि मेरी माँ ने तो कभी मुझे ये एहसास ही नहीं दिलाया कि मैं माजूर हूँ. वो मुझे कपड़े पहनाने में भी मदद करती हैं, वो मुझे जूते पहनाने में भी मदद करती हैं, वो मुझे आज मैं जो दिख रही हूँ उनकी हेल्प से दिख रही हूँ. उन्होंने तो मुझे एक दफ़ा ये नहीं कहा कि तुम मुझ पर अजाब हो अल्लाह का. आपको ये हक किसने दे दिया कि आप मेरे बारे में दुनिया को ये बताएं या मुझ जैसों के बारे में बताएं कि हम अल्लाह का अजाब है अपने वालदैन पर? नहीं, हम नहीं हैं. आपकी ये सोच अल्लाह का अजाब हो सकती है. तो खुदारा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें. मैं हमेशा एक बात, जो अल्फाज आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपकी रियालिटी बन जाते हैं. और अगर आप किसी को माजूर या अपाहज या हैंडीकैप कह रहे हैं, यू आर जस्ट वन एक्सीडेंट अवे, बैकबोन इज फ्रैक्चर्ड एंड यू आर गॉन. मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई विल बी इन दिस चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, राइट? सो बी अवेयर, थिंक बिफोर यू स्पीक. कार्मा इज वॉचिंग, कार्मा इज लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग. आप अपने अल्फाज में नरमी ले आइए, क्योंकि जब वो अल्फाज पलट कर आप पर आएंगे ना, तो आपको बहुत तकलीफ होगी. आप ख्वाजा सरा के साथ बहुत काम करती हैं, ये ख्याल कैसे आया कि उनके साथ काम करूँ? अच्छा, कुछ चीज़ें बचपन से राबिया मैंने अपने घर में देखी, थैंक्स टू माई मदर. मुझे याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, रहीमिया खान में आई वॉज बॉर्न, तो उसी घर में हमारे यहाँ ख्वाजा सरा नाश्ता भी करने आते थे, हमारे घर में माली बाबा दोपहर का खाना भी खाते थे, हमारे घर में जो मिल्क मैन अंकल होते थे, दूध वाले अंकल हम उनको कहते थे, उनके लिए भी नाश्ता बनता था और वो मेरी वालदा खुद बनाती थी.
तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, चाहे वो फूड ड्राइव हो या कुछ भी, इट्स नॉट समथिंग दैट आई थिंक दैट आई शुड डू बिकॉज यू नो व्हाट, आई हैव टू बी अ गुड ह्यूमन. नो, आई एम डूइंग दिस बिकॉज दिस इज द वे ऑफ लाइफ. आई हैव सीन दिस बचपन से लेकर आज तक, मैंने यही देखा है. इवन यहाँ पर भी मेरी अम्मी का एक उसूल है राबिया, कि वो रात को चावल भिगो कर सोती हैं, सुबह उठती हैं, परिंदों को डालती हैं. हमारे घर में सारे मोहल्ले की बिल्लियाँ आती हैं क्योंकि मम्मा उनके लिए खाना रखती हैं. हमारे घर में अगर बच्चा नाइल कुछ भी खाना ऑर्डर करता है, इवन इट्स अ स्मॉल पिज्ज़ा, उसको ये बात पता है कि जो राइडर भाई आए हैं, नाइल ने एक स्लाइस उनको देना है. नॉट दैट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ गुड किड, बट बिकॉज ही हैज़ टू डू इट. एंड दिस इज़ द लाइफ वी शुड लिव एंड वी हैव बिन लिविंग. तो उसमें ये वाली चीज़ के मुझे ये करना चाहिए कभी भी नहीं हुआ. मुझे ये करना है, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस. और मुझे हैरत होती है राबिया कि हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को कैसे धुतकार देते हैं. मतलब एबनॉर्मैलिटी की इंतहा होगी हमारे एटीट्यूड में कि हम एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को देख कर कहेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट कम नियर मी. हम क्या करते हैं ख्वाजा सराओं को, जब भी बच्चा देखता है तो बड़ा क्या कहता है. और ये मेरे ख्वाजा सरा दोस्तों ने मुझे बताया, जब मैंने उनके इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को स्पाइडरमैन और बैटमैन के बारे में तो बता रहे हैं, हमारे बारे में क्यों नहीं बताते. हमें तो अल्लाह इसी तरह बनाकर भेजता है. हम तो अपनों से भी धुतकारे हुए होते हैं, हम माशरे से भी धुतकारे हुए होते हैं. और कितना आसान है मेरे आपके सबके लिए कि अरे यू नो देयर वेज ऑफ मींस, या जो जिस तरह वो पैसा कमाते हैं वो हलाल है वो हराम है. किसने हमें ये इख्तियार दिया कि हम उनकी चॉइसेस को क्वेश्चन करें, जब हमने उनको धुतकारा है. वी शुड कीप आवर माउथ शट एंड वी शुड रिस्पेक्ट वट एवर दे आर डूइंग, क्योंकि हमने इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी. तो ख्वाजा सराओं को हम कैसे लाए, क्योंकि मैंने हमेशा से ये बात सुनी है कि अल्लाह ताला ने मर्द औरत और ख्वाजा सरा बनाए हैं. देर आर थ्री जेंडर्स, देर आर नॉट जस्ट टू जेंडर्स. और ये बात जितना जल्दी आप अपने बच्चों को बताएंगे उतना अच्छा है. दैट्स इट. तो जब हमने फूड ड्राइव शुरू की, और सड़क के किनारे हम क्योंकि करते हैं, तो सड़क पे आपको कौन लोग नजर आते हैं, आपको मर्द, लड़के, लड़कियां, बच्चे, बच्चियां, ख्वाजा सरा सब नजर आते हैं. तो वो दस्तरखान अल्लाह का है और उस पर सब लोग हैं. उसमें मैं भी खाना बांटती हूँ, उसमें मेरी ख्वाजा सरा दोस्तें भी होती हैं, उसमें मेरा भाई भी होता है, उसमें मेरे ड्राइवर भाई भी होते हैं, हम सब होते हैं. सच अ ब्यूटीफुल थॉट, सच अ ब्यूटीफुल थॉट. आपकी अम्मी, हाय जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आज आप उनको? हाय मम्मी, बताती हैं उनको वैसे कि वो हाउ इम्पोर्टेंट शी इज, या नहीं बोलती कभी? उनकी हर बर्थडे पे हम एक लंबी चौड़ी स्पीच जो है ना, हाँ, वो जी, आप देती हैं. ये हमारा मतलब एक असूल है हमारे घर का, हमारे सारे दोस्तों का, जिसकी भी बर्थडे होती है, हम केक काटने के बाद, वो कहते हैं ना कि जो बातें आप लोगों के जनाजों पर करते हैं ना, अगर आप उनकी ज़िंदगी में करें तो शायद उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाए. तो मम्मा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ राबिया. आई मीन ऑल दैट आई एम एंड आई एम एंड होप टू बी, आई ओ इट टू हर. वो हैं तो मैं हूँ, लेकिन मैं बहुत एक बात ऐसी है जो मैं कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी कि आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, कहीं ना कहीं आप में एक डर छुपा होता है. और मैं ज़्यादा नहीं मांगती अल्लाह से, मैं एक दुआ ज़रूर मांगती हूँ, थोड़ी सख्त बात है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि मम्मा के जाने से पहले ना, आई वॉन्ट टू लीव एंड आई टेल यू वाई. क्योंकि अगर ये ना हुआ ना तो वो परेशान रहेंगी. तो मैं अल्लाह से सिर्फ एक ही, तो अल्लाह ताला जब तक वो है ना, बस मुझे उनसे पहले अपने पास बुलाएं ताकि वो सब अपने हाथों से करें. वो बहुत इत्मीनान में रहेंगी. और दैट्स इट. बाकी मुझे ये पता है कि अगर मामा यहाँ ना होती तो पता नहीं क्या होता. मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस वक्त मैं इस बात पे कैसे रिएक्ट करूँ. बस अल्लाह जो आपके हक में बेहतर समझे इंशाल्लाह, और जिस भी सिचुएशन में आपको लेकर आए उस वक्त आपको इतनी करेज और स्ट्रेंथ दे और आसानी डाले और खैर आफियत से हर चीज़ को पॉसिबल करे आपके लिए इंशाल्लाह. कोई फ़नी बात बताएं उनकी, क्या करती हैं जब गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? अच्छा मामा की फ़नी बात, अभी रिसेंटली जब क्योंकि बाल थोड़े लंबे हैं ज़्यादा, तो जब तक आप कैरेट नहीं कराते तो वो सिमेटना मुश्किल हो जाता है. अच्छा, आपके नेचुरल बाल ऐसे नहीं है? मैं तो बड़ी जेलस हो रही थी, मैंने कहा तो नेचुरल, क्योंकि मुझे मेरे बाल भी बड़ी आयरन होके सीधे
लेकिन केराटिन से ये होता है क्योंकि एक छोटा सा प्रोटीन ट्रीटमेंट से होता है कि आप बाल संभाल सकते हैं राइट, बहुत ज्यादा फ्रिजी नहीं है बट इससे आसानी हो जाती है. तो जब पिछले साल ही व्हेन आई वाज बेड रिडन, तो वही बात कि 2 महीने आपने बिस्तर पे लेटना है और बाल जुड़ जाते हैं, शैम्पू करना मुश्किल होता है, तो सब कुछ एक तरफ. माय मामा सेड शुक्र अल्लाह ताला का मानो, केराटिन करवा लिया, अब कम से कम बाल सीधे करने में तो आसानी होता है. मामा माय गुडनेस, यू नो द शी इज द एपिटमी ऑफ एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लाइनिंग. तो कहते शुक्र मानो केराटिन करा लिया, अब कम से कम ये मसला तो नहीं होगा कि सुलझाने कैसे. मानो बुलाती हैं जी जी, मैं अपनी अम्मा की मानो. उनको सबसे तो गुस्सा किस बात पर चढ़ता है आपकी? मेरे गुस्से पे. मतलब उनको ये होता है कि क्यों अपना खून जलाती हो, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना राबिया, आई गो क्वाइट एंड देन आई ट्राई टू प्रोसेस माई एंगर सो मच दैट आई डोंट ईट एट ऑल. मतलब जो दिन का एक खाना होता है मैं वो भी नहीं खाती. एंड यू नो, और बस मुझे ज्यादती देख करना चाहे वो किसी पर भी हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत. बस क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि ये इंसान जो ज्यादती कर रहा है, जो अपने आप को फिरौन समझता है, ये नहीं जानता कि ये कितना बेबस है, और अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में इसको बेबस कर सकता है. आई विश आई कुड टेल दैट पर्सन. तो ना किसी का हक मारो, ना ज्यादती करो, चाहे वो आपके घर में गाड़ी चलाने वाले भाई हैं, चाहे वो आपके घर बाजी काम करने वाले हैं, उनको इज्जत दो. तो बस इस तरह की चीज़ों पर ना, जब अपनी जात से कुछ नहीं लेकिन आसपास लोगों में जब there is lack of empathy, it just spoils my blood. तो फिर मामा जब मैं गुस्से में होती हूँ तो वो कहती है किस बात का गुस्सा है, निकालो बोलो. तो नाइल पहले किसके पास जाता है कि उसको कोई बात बतानी हो, आपके पास या उनके पास, और उसको बात मनवानी और पता है कि अम्मा तो शायद नहीं सुने, तो पहले उधर जाता है? अच्छा, मामा बहुत स्ट्रिक्ट मदर है. अच्छा, वो मेरे साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मेरे भाइयों के साथ मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो नाइल के साथ भी स्ट्रिक्ट है. तो वो मेरे पास आता है क्योंकि मेरी नाइल की केमिस्ट्री इट्स मोर लाइक फ्रेंडशिप. इज्जत एहतराम स्पेस एक तरफ, मगर दोस्ती एक तरफ. मैं उसको ये कहती हूँ कि बेटा कुछ भी करके आओगे ना, कम एंड टेल मी एंड आई एम हियर टू लिसन टू यू, यू नो, सो डोंट हाइड इट. तो मेरे पास आता है ज्यादा. और भाई क्या कहना चाहेंगे, उनको कुछ आज मैसेज देना चाहेंगी? मैं भाइयों को क्या बोलूँ, बहुत बहुत खुश नसीब होती हैं वो बहनें जिनके साथ भाई ऐसे जुड़े होते हैं कि जैसे वो उनके वजूद का हिस्सा हो. एंड आई एम वन ऑफ दोज लकीस्ट गर्ल्स एंड सिस्टर्स. आपको पता है कि जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ तो बड़ा भाई, क्योंकि ही इज़ मूव टू US काफ़ी साल पहले, तो छोटा भाई सरफराज मेरे साथ होता है. मैं कहती हूँ तुम मेरे बहन भी हो, तुम मेरे भाई भी हो, तुम मेरे केयर टेकर भी हो, मेरे बाउंसर भी हो, तुम सब कुछ हो यार. तो हमेशा जब भी कहीं इंटरनेशनली हम टॉक देते हैं और बात हो रही होती है, तो मैं हमेशा उनको एक बात कहती हूँ कि ऑन द रोड टू सक्सेस, कामयाबी के सफर पे आप अकेले नहीं होते ना, आपके साथ एक पूरा कारवां होता है. अब आप उन लोगों को सोचते हैं जो आपसे लाइमलाइट शेयर नहीं करते, राइट? मेरा भाई मुझे स्टेज के बीच में देखता है कि मेरी पैंट्स यू नो प्रॉपर है, नीचे पैंचे ऊपर नीचे तो नहीं, वो सेट करता है एंड देन ही लीव्स. और फिर टॉक, हर टॉक के बाद एंड पर मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लैप फॉर द पर्सन जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल था. कि जब मैं बात कर रही थी तो तस्वीरें चेंज हो रही थी, वो मेरा भाई बैक स्टेज करता है एंड ही नेवर शेयर्स द लाइमलाइट, यू नो ही इज़ द अनसंग हीरो ऑफ माई लाइफ. तो आपकी सोच है कि किस तरह स्टैंडिंग ओवेशन उसको मिलता है, एंड इट्स सो वेल डिजर्व्ड. एंड इट्स ऑल्सो अ मैसेज टू अ लॉट ऑफ पीपल इन द वेस्ट कि मेरा भाई बलोच है और वो मेरे साथ है. तो यहाँ अच्छे भाई भी होते हैं, यहाँ साथ चलने वाले भाई भी मौजूद हैं. आज अगर मैं इफ आई एम एबल टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. बिकॉज लिटरली व्हेन आई एम ट्रेवलिंग वो मेरा केयर टेकर है राबिया, ही लुक्स आफ्टर मी लाइक माई मदर. तो ये एक पूरा एक काफिला है लोगों का जिसके साथ हम चलते हैं. और बड़े भाई ने हमेशा मुझे एक बात की है, थिंक ग्लोबल. एंड मैं उसमें इतना हंसती हूँ एंड यू नो, तो उसके साथ मैं बहुत ही दिल की बातें करती हूँ और वो इज़ वेरी क्लोज टू मी. और मुझे याद है कि जब भी मैं वो आप कह रही थी ना पेंटिंग्स बनाती थी तो कैसी होती थी, तो मैं कहती मेरे भाइयों से पूछें. तो मुझे याद है एक पूरा स्टैक पेंटिंग्स का बेड के नीचे हमने रख दिया था. वो नहीं होता कि आप बस पेंटिंग पे पेंटिंग बनाते हैं और आप बिस्तर के नीचे रख देते हैं. तो मेरा भाई मेरे साथ बैठ के काफ़ी बातें करता था उस वक्त बनाया बेड रिटर्न. तो वो कहता था कि एक वक्त ऐसा आएगा ये सारी पेंटिंग्स एग्जिबिट होंगी इन एन एग्जिबिशन इन एन आर्ट गैलरी. और वो आर्ट गैलरीज को ईमेल्स करता था constantly. और मैं कहती थी आर यू सीरियस, एंड आई यूज टू लाव के यार ठीक है, इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ. नहीं, आई एम टेलिंग यू वन डे यू विल सी इट. और जब पहला इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ दुबई में, ही जस्ट यू नो ही वॉज ऑन द वीडियो कॉल एंड ही सेड
रिमेंबर आई टोल्ड यू समथिंग. तो आप ये जानते ही नहीं कि आपके अपने आपके प्यारे, आपकी माँ, आपके बहन भाई आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं. मेरी अम्मी ने मेरी ट्रैवलिंग मेरे बचपन में मैनिफेस्ट की थी. वो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि यू नो वो ऊपर देखती थी जहाज़ जा रहा है तो कहती थी देखो मानो की फ़्लाइट जा रही है और मैं रहीमर खान में घर में बैठ के यू नो एंड आई यूज़ टू बी मामा ट्रेन पर तो कहीं जा नहीं सकते आप जहाज़ दिखा रही हैं आप हर बात में मजाक करती हैं. और जब पहली बार यूएन वुमेन ने बुलाया हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क और वो मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी. सो व्हेन आई वाज लीविंग फॉर द एयरपोर्ट शी हेल्ड माय हैंड एंड शी लुक्ड एट मी शी सेड तो फिर मानो कि फ्लाइट आ गई है ना. यू नो आई मीन आई एम सो ब्लेस्ड राबिया. मतलब मुझे लगता है कि अम्मा की दुआओं से सब कुछ हो रहा है. यू नो उस एक हादसे ने हमारे दिल की आँख भी खोली हमारा शऊर भी खोल दिया. यू नो एंड बस हम कुछ लोग रह गए. वो नहीं होता कि अल्लाह ने छान छान कर चंद लोग छोड़ दिए और बस जिंदगी में एक दूसरे के लिए. हाँ हम बहुत सारे वजूद हैं लेकिन जान हम एक हैं. हम सब एक हैं. अभी बीच में आपने जिक्र किया था कि बहुत सी बातें भी लोग कहते हैं ऑफ कैमरा भी. आपने एक दो बातें मुझे कहीं जो मैंने ही यहाँ पे मेंशन करना चाहती. सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी फेस किया आपने भी क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में क्यों है ये आपको लगता है. हाँ है ना कितना कितनी अजीब सी बात है कि बंदा पूछता है क्यों कहाँ से इतना आप इतना टॉक्सिक कैसे हो जाते हैं. आई एम इंस्पायर्ड बाय योर टॉक्सिसिटी ऑनेस्टली. मतलब कैसे आप बात से बात निकाल कर किसी के ईमान किरदार पर बोहतान लगाकर आपको नींद कैसे आती है रात को. आपको नहीं लगता कि एक वक्त आएगा जब आपने वापस उसी के पास जाना है एंड यू विल बी क्वेश्चन्ड कि आपने किसी के साथ किसी के बारे में जो कहा क्यों कहा. मुझे लगता है राबिया के हमारे यहाँ हासिदों की एक बहुत बड़ी तादाद है. हमारे यहाँ इनसिक्योर लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है. मगर इनसिक्योरिटी या एनवी या लोगों का एनवियस होना ये सिम्टम्स हैं एक मेजर डिजीज़ के. वो मर्ज है अनहेल्दी कंपटीशन. और वो कंपटीशन बचपन से हमारे घरों में इस माशरे के घरों में नज़र आता है. आई टेल यू हाउ. जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि इसने पहले बोलना शुरू किया था ये बड़ा लेट बोली थी ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है ये तो बिल्कुल डम है ये कपड़े पहनता है इस पर जचते हैं ये कपड़े पहनता है कितना बुरा लगता है. आपने दो बहन भाइयों के दरमियान में एक कंपैरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया. क्या कोई बहन भाई एक दूसरे को देखकर तारीफ करेंगे यू लुक लवली. वो तो बचपन से उसी ट्रॉमा में है दैट आई एम नॉट गुड इनफ. फिर यही कॉम्पिटिशन जाता है स्कूलों कॉलेजों में वेयर अ ब्लैंक पेपर और अ पेपर जिसमें चंद नंबर लिखे हैं दैट पेपर इज गोइंग टू डिफाइन दैट वेदर आई एम वर्दी ऑफ बिकमिंग समथिंग और नथिंग. वो एक कागज़ डिफाइन करता है कि क्या मैं कामयाब हूँ या मैं डम हूँ. अब मुझे बताइए दो स्टूडेंट्स एक वो बच्चा जो कि टॉपर है एक वो बच्चा जो टॉपर नहीं है क्या वो दोनों दोस्त बन सकते हैं. कभी भी नहीं. हमने बचपन से ही बच्चे को ये बता दिया कि उसकी कामयाबी मतलब तुम्हारी नाकामी. नो वंडर वाई आज हम जब भी किसी कामयाब इंसान को देखते हैं जो हासिद होगा उसको हमेशा अपनी नाकामी नज़र आएगी क्योंकि वो बचपन से खुद को नाकाम देखता आया है. यही टॉक्सिसिटी हमें नज़र आती है जब हम जॉब कर रहे होते हैं हमारे वर्क एनवायरनमेंट में होती है. एक कॉलीग को प्रमोशन मिलती है आपको लगता है सब खुश होते हैं सब अंदर से कुड़ रहे होते हैं क्यों क्योंकि उनको लगता है ये कामयाब है आई एम अ फेलियर अगैन. फिर वो कॉम्पिटिशन दो मियाँ बीवी में आ जाता है. मर्द कहता है आई एम बेटर. कई जगहों पर औरत कहती है आई एम बेटर. कॉम्पिटिशन तो जहाँ कंपेनियनशिप थी वहाँ कॉम्पिटिशन आ गया. दैट डज नॉट स्टॉप देयर. फिर आता है सोशल मीडिया. मुझसे वो लोग भी कम्पीट कर रहे हैं जो मुझे जानते भी नहीं हैं. मुझसे वो कम्पीट करेंगे या आपसे वो कम्पीट करेंगे जो आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने उनको सिखाया ही यही है तो वो आपकी कामयाबी में भी अपनी नाकामी देखेंगे मेरी कामयाबी को भी अपनी नाकामी समझेंगे. सो वट इज़ ईजियर मेहनत करके आगे बढ़ना या किसी को गंदी सी गाली देकर अपने हसद को थोड़ी देर के लिए ठंडा करना. पीपल चूज ऑप्शन बी बिकॉज दैट्स ईजियर. कि यार वो तो यार उसकी तो पीछे कोई कहानी होगी. सो व्हाट दो गालियां देकर जरा मैं अपने हसद की आग को तो ठंडा कर लूं. लेकिन मैं इसलिए कहती हूं कि ऐसे लोगों को दुआ की जरूरत है. ये लोग इतनी तकलीफ में हैं. जरा सोचिए कि एक शख्स आपकी कामयाबी पे खुश ना हो एक शख्स आपको मुस्कुराता देखकर उसको आग लग रही हो दिस इज सो एबनॉर्मल. तो ऐसे लोगों के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और खुदारा बच्चों से ये कॉम्पिटिशन की फिजा को निकाल दीजिए. एक कागज़ का टुकड़ा नहीं डिफाइन करता कि आपके बच्चे ने ज़िंदगी में कहाँ जाना है. मुझे याद है मेरी एक टीचर थी
मैम आपका नाम नहीं लूंगी, बट यू नो शी यूज्ड टू से कि इसका तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, ये तो इसकी जिंदगी तो खत्म, इसका तो कुछ नहीं. तो अब मैं हंस के गई हूँ, मैम लुक एट मी नाउ, आई एम डूइंग बेटर, आई एम डूइंग ओके. तो मत कीजिए इस तरह के अल्फाज, अलकाबात, रिमार्क्स बचपन से ही बच्चे के दिल में लग जाते हैं और वो कड़वाहट कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे नजर आती है. तुम बेहतर थे, तुम कमतर थे, तुम अबतर हो, वो बढ़तर है, दैट्स इट. तो नो वंडर लोग एनवियस भी हैं, हासिद भी हैं, सब कुछ है, क्योंकि वो बचपन से अपने आप को फेलियर देखते आए हैं. तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे कि राबिया खुश है, वो नहीं देख सकेंगे कि राबिया इज़ डूइंग हर ओन शो. तो बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों की जिंदगियों को आसान करे, और अल्लाह करे कि जो जंग उनके अंदर चल रही है ना, जिसका इजहार वो गंदे कमेंट्स में करते हैं, अल्लाह करे वो जंग वो जीत जाए और उनको सुकून मिल जाए. सुकून मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा है कि सब, या यू राइट कि उनसे वो करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि वो किस पेन से गुजर रहे हैं. मुहिब, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत बातें बोली हैं और इतनी मेरी तो, मैंने तो बहुत कुछ आज सीखा है, और कोशिश करेंगे कि हम थोड़े बेहतर इंसान बन के और थोड़े ज़्यादा शुक्रगुजार इंसान बन के ज़िंदगी को गुजार सकें, और जो अल्लाह ने नेमतें दी उनको अप्रिशिएट कर सकें, और दूसरे लोगों के लिए आई होप एंड प्रे कि हम ज़िंदगी को आसान, दुनिया को आसान कर सकें. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है. ओह गॉड, मैं आपसे कुछ सुने बगैर नहीं जाऊँगी. जी जी जी, मैं क्या गाऊँ. अच्छा, ये वाला जो गाना है, ये मेरी फरमाइश पे है ये, क्योंकि मुझे आजकल नैया नूर का कपड़ा शौक चढ़ा हुआ है, मैं बहुत सुन रही हूँ उसको. नैया नूर, पता है, आई रियली लव हर वॉइस एंड आई मिस हर प्रेजेंस ऑन टीवी, दो बहुत अरसे से नजर है. ठीक है, उनका एक कोशिश करते हैं. ज़माने से मिला जो हम, ज़माने से मिला जो हम, उसे गीतों में गाया है. गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है. कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है. इतना खूबसूरत गाते हैं, दिल जा रहा है, मैं सुन ही रहा हूँ. इट्स सो लवली. थैंक यू राबिया. बट मैंने एक ही गाने की फरमाइश करनी थी, सो आई एम गोना लेट इट गो. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस. प्लीज कीप डूइंग इट. थैंक यू. डू नॉट स्टॉप. आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि रिमाइंडर हो हम जैसे लोगों के लिए, कि बस रिमाइंडर हो बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए. और आपके लिए बहुत 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 ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह आपको हर किस्म की खुशी, हर किस्म की सक्सेस, आसानी, आफियत, और बहुत जल्द सकून प्रोवाइड करे. जज़ाकअल्लाह. थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया राबिया.